पढ़ा नहीं था तो मैं क्या करूँ, नहीं पढ़ा था तो मैं क्या करूँ। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो महिला से निकलना बंद हो जाता है 40 वर्ष की उम्र में? वीर्य में आने वाली विशिष्ट गंध, विशिष्ट जो गंध होती है वो कहां से मिलती है? वो अलग है, वो अलग है लल्ला, वो अलग है। अभी वर्षों से निकलने पर गंध के साथ निकलता है या फिर उन नलिकाओं में उसको गंध? कौन सा ऐसा द्रव वीर्य में शामिल होता है सीमन में जिससे उसमें एक विशिष्ट तरह की गंध आती है, मतलब एक स्पेसिफिक स्टिग्मा उसके अंदर मिलता है? अलग है वो, कौन सी ग्रंथि में? ऑप्शन कोई? अरे तो ऑप्शन, ऑप्शन से क्या मतलब अपन को पूरी चीज जानने? ऑप्शन डायरेक्ट है, माइंड बाजा डायरेक्ट है। प्रोस्टेट ग्रंथि, कौन सी? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट आएगा कहाँ से? शुक्राशय से वीर्य निकलेगा, ठीक है, शुक्राणु, और वहां कहाँ में, कहाँ पे आएंगे? पुरस्त, और पुरुष द्रव उसमें शामिल होकर उसको एक विशिष्ट प्रकार की गंध देंगे जो कहां पे आएगा बाद में? अपने शिष्य में, ठीक है, चलें आगे। वृक्षण से कौन सा हार्मोन से उत्सर्जित होता है? टेस्टोस्टेरोन। वो तो एक भाग है उसका, मुख्य हार्मोन, हार्मोन का सर टेस्टोस्टेरोन, मुख्य मुख्य मुख्य। नर हार्मोन का नाम बताओ, उसमें है टेस्टोस्टेरोन, तो नर हार्मोन का नाम बताओ जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है। शुक्राणु तो है ही, वो तो शुक्राणु हो गया, हार्मोन थोड़ी हुआ। शुक्राणु को तो हार्मोन उत्तेजित करेगा, शुक्राणु प्रवाह करने के लिए या बनाने के लिए। एस्ट्रोजन किसका, किसका? महिला। और एंड्रोजन किसका? नर का, नर का, उसके अंदर क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से शरीर की वृद्धि रुक जाती है? जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उससे तो भीमकायता होती है, बनापन भी इससे होगा क्या? अधिवृक्क कहाँ पर स्थित होता है? के ऊपर, उसके कोलिकल में ऊपर में एक प्याली नुमा संरचना में अंदरी अंदरूनी तरफ में वो अंतर्भित्ति में दसा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? अधिवृक्क, ठीक है। अग्नाशय जिसे अपन पैंक्रियास कहते हैं से क्या संबंधित है और उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? पर वो कोशिकाएं हैं कौन सी, क्या कहलाती है वो? लैंगरेंस की
कोशिकाएं लेंगेंस की दीपिका, दीपिका दीपिका पादुकोण, ठीक है, लेंगेंस की दीपिका है, और तीन कोशिकाएं कौन कौन सी, अल्फा बीटा गामा या और कुछ भी, या तो गामा कह लो या फिर डेल्टा कह लो, ये सब क्या है, लैग्रेंज की दीपिका, ठीक है। इस दीपिका में कौन कौन से हार्मोन थे, अल्फा से ग्लूकागोन, बताओ ये कहाँ से स्रावित होता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन से क्या जरूरी है, ग्लूकागोन क्यों जरूरी है, ग्लूकोज बनाने, ग्लूकोज शरीर में ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लू का गोन, ग्लूकोज बनाना है शरीर में किसको, क्या चाहिए अपन को, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन ग्लूकोज बनेगा कहाँ से, मूर्ख व्यक्ति, ग्लूकोज से तो क्या बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा, अरे ग्लूकोज ग्लूकोज ले जाएगा, शर्करा से पीड़ित नहीं हो जाऊंगा मैं, मधुमेह रोग हो जाएगा मेरे को अगर मैं शरीर में पूरा ग्लूकोज ग्लूकोज हो गया तो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं जो ग्लूकागोन हार्मोन है उससे ग्लूकोज बनेगा, लेकिन ये हार्मोन स्रावित कहां से होता है, बताओ फटाफट, सब चीजों को फिल्टर कौन करता है, और इसके अलावा शरीर में दो चीज है, दो क्या तीन है, शरीर में तीन है जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, अभी आपने एक ही बताया मेरे को, एक तो किडनी, धमनी और शिराओं को जोड़ने वाली केशिकाएं, और एक मुरख बोल दे वापिस, लीवर जो खराब होता है, ठीक है। तो बताओ इन तीनों में से कहां से स्त्रावित हो रहा है, अरे कैसी कहां से, कहां होगा, लीवर से होगा, लीवर से होगा, तो क्योंकि ग्लूकोज कहां जाएगा, पानी पिएंगे तो कहां जाएगा, रक्त पे जाता है वो, ठीक है। दो होती है ना क्रिया, एक तो रक्त वाला, रक्त को तो फिल्टर कौन करेगा, किडनी, और सामानों को कौन करेगा, भारी को लीवर, ठीक है, क्योंकि रक्त से जुड़ी हुई कौन, किडनियां जुड़ी हुई है, और लीवर से क्या जुड़ा है, बाकी जो सामान खाने पीने के किससे जुड़े हुए, सीधा आरनाल लीवर से, ठीक है ना। तो आरनाल से क्या आएगा, भोज्य भोज्य पदार्थ, और भोज्य पदार्थ किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, इसलिए लीवर किससे क्या निकलेगी, ग्लूकागोन निकलेगा, ठीक है। चलो ये हुआ अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाओं, ठीक है, इंसुलिन का काम शर्कराओं का नियंत्रण बनाता है, शर्करा का नियंत्रण बनाता है, ठीक है। ये इंसुलिन या बीटा कोशिकाएं किसके उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मतलब उसका किसका आपको पाचन करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है शरीर में, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा का नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक शर्करा है, समझ रहे हो मेरी बात को, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक शर्करा है, और ये किसको उपापचय करती है, कार्बोहाइड्रेट का, कौन, बीटा कोशिकाएं, कौन करती है, बीटा कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती है, ठीक है। चलो इसके अलावा दूसरी चीज, अरे इसी का बता दे अभी तो, कहाँ भाग रहा है, इसी का बता दे, इसी में बहुत कुछ अभी तो, ये किसके निर्माण में सहायक होती है, अरे कार्बोहाइड्रेट से बचाया तो किसका निर्माण करेगी ये बेटा, कुछ कहें, ग्लूकोज ना, ग्लूकोज से क्या बनाएगी, शर्करा, शर्करा और वसा के निर्माण में सहायक, फैट भी तो ये बनाएगी, ठीक है, बीटा कोशिका इंसुलिन, इससे इससे भी होता मोटापा, ठीक है। चलो ऐसी क्या चीज है जिससे व्यक्ति को, व्यक्ति में मूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है,
किस वजह से व्यक्ति में मूत्र की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है? क्या हो जाती है? ग्लूकोज की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा? मधुमेह रोग होगा। मधुमेह रोग में होगा क्या इंसुलिन की कमी से? मेरे शरीर में इंसुलिन की कमी होगी, मेरे को डायबिटीज रोग हो गया, लेकिन वो इंसुलिन की कमी से हुआ क्या जो मेरे डायबिटीज का रोग हो गया? ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज बन के रह गया, किस में परिवर्तित नहीं हुआ? ग्लाइकोजन। समझे? तो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में अधिक हो गई प्योर शर्करा की, और अपने काम में वो आ नहीं पा रहा। अरे कौन से जन्म की भेद मिला है तुम? ठीक है चलो, इंसुलिन का अगर अति स्त्रवण हो जाए वो तो मधुमेह होगा। इंसुलिन अगर ज्यादा, वो तो कम हुआ है इंसुलिन, अगर इंसुलिन ज्यादा निकलने लग जाए मेरे शरीर में तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग से मैं ग्रसित हो जाऊंगा। ये रोग है क्या? इसमें ग्लूकोज जैसे बनेगा ग्लाइकोजन परिवर्तन, जैसे बना ग्लाइकोजन परिवर्तन, जैसे बना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट। अगर ये क्रिया हो रही है, ग्लूकोज बनते ही ग्लाइकोजन बन जाएगा और मेरे काम ही नहीं आ पाया वो ग्लूकोज एनर्जी, तो बताओ क्या क्या बीमारियों से हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज क्या क्या है, उसकी बातें क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है उस रोग के? शरीर में थकावट होगी, ग्लूकोज बच ही नहीं रहा मेरे शरीर में, आते ही ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो रहा है। और इसके अलावा शरीर में सिर्फ थकावट ही तो हुई है, और अरे थकावट हुई तो आपको कई चीजें बताई थी, निद्रा ज्यादा आएगी, आंखें कमजोर होंगी ना, आंखों का कमजोर होना किसका? एसी का ही है। क्षमता से अधिक या दृष्टि ज्ञान वगैरह इन सब में अपने कमजोरी हो जाती है। और इसके अलावा और क्या दिक्कत होती है? एक दिक्कत और है मुख्य महत्वपूर्ण हाइपोग्लाइसीमिया में, एक दिक्कत और है, रक्त के अंदर रुधिर की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, अपने रुधिर में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है ना खून में। ठीक है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, नहीं चढ़ाई जाती है ना, वो इसीलिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इसी स्थिति में क्या बार बार ग्लूकोज की बोतल टेक देते हैं, होते ना कि डेली एक जाके ग्लूकोज की बोतल चढ़ा गया, दो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा गया, वो स्थिति तभी होती है। होते ना चक्कर आ गए, चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आने के बाद क्या करते हैं? ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। क्यों? सो ग्लूकोज की कमी हो जाती है एक्चुअली, और सो ग्लूकोज दिया जाता है बाहर ही। समझ लो ये बताओ। तीसरा गामा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन, किससे? गामा कोशिकाओं से। काम क्या है उसका? भोजन को एसिमिलेशन, मतलब एपोजन क्या करेगा? मिला मिलो के जो भी बचा है उसका सब कुछ निकालने का काम, एक साथ मिला देना सब कुछ। चलो गोइटर रोग, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, शरीर में थायरोक्सिन का आधिक्य हो गया, मतलब ज्यादा हो गया थायरोक्सिन, उससे क्या होगा? आयोडीन की कमी से तो गोइटर होता है ना, तो अगर गोइटर था, लेकिन वो नाम भूल, नाम भूल रहा, जहरीला गोइटर। कैसा गोइटर? जहरीला। आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा वो लटक जाते हैं, ऐसे घेंगा का रोग नॉर्मल रोग होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसमें व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन अगर क्या होता है थायरोक्सिन की अधिकता होगी ना, उससे क्या होगा? गोइटर रोग तो होगा ही होगा, लेकिन वो कैसा होगा? जहरीला, उससे कीटाणु कैसे होंगे अंदर? जहरीले, उससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए तो जब आंखें निकलती, बताया था मैंने आपको, बाहर आंखें निकल जाती है महंगी महंगी, तो उसमें काले काले धब्बे भी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना।
पीयूष ग्रंथि का बाहर छह ग्राम पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? क्या क्या नियंत्रण करती है? सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन देती है कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मेरे हाथ में तिल है, किसकी वजह से है? मेलिनाइटिस रोग कर दिया मेरे पागल हार्मोन है मेलिनाइटिस कुछ मिलेनिन वर्णक है वो तो मेलेनिन तो उसके अंदर वर्णक है मिलेनोसाइट हार्मोन से किसका मिलेनिन वर्णक है उसकी वजह से हाथों पे तिल पड़ना चकते पड़ना ठीक है ना दब्बे होना शरीर पे या फिर किसी अन्य छोटे निम्न जंतुओं में कलर होना जैसे गिरगाट में ठीक है ऊंदरे में उनका कलर किसकी वजह से होता है मिलेनोसाइट हार्मोन की वजह से इसमें क्या होता है मिलेनिन पाया जाता है वर्णक जिससे वो क्या ले लेते हैं एक विशिष्ट प्रकार का कलर ले लेते हैं क्या चला है इसके महाराज दिमाग साफ होती करो या मरो का हार्मोन सही है क्या है लड़ो या उड़ो लड़ो और उड़ो हार्मोन है कौन सा हार्मोन है नाम एड्रेनालिन ठीक है शंकरा दौड़ रहा था कल शाम को और सुबह फिर दौड़ने गया इसके दौड़ते तो इसके हृदय की धड़कन रुक गई मुझे वहीं बेहोश हो गया हमने सोचते ही मर गया नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनालिन क्या है हार्मोन है जिसको इंजेक्शन में डाल के पुच करने से वो क्या होता है वापिस हृदय की धड़कन चालू हो जाती है ठीक है ना हृदय की धड़कन कौन तेज करता है कौन सा हार्मोन पूछा मैंने देख कितनी कहां से क्या लड़ाई है देख कितनी धुआं उठ रही है एड्रेनालिन क्या एड्रेनालिन मेरे बाल खड़े हो गए तो एड्रेनालिन ठीक है श्वसन का भागफल निःश्वसन क्या है और उच्छ्वास क्या है निःश्वसन और उच्छ्वास इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बताओ क्या है ऑक्सीजन लेना ऑक्सीजन लेना सिर्फ ऑक्सीजन लेगा श्वास लेना मतलब वायुमंडल से वायु लेना वो तो कौन सी क्रिया होगी निःश्वसन और छोड़ना उच्छ्वास ठीक है निःश्वसन की क्रिया के समय फेफड़ों में वायु दाब कैसा होता है कम या ज्यादा
कम होता है क्योंकि वायु है नहीं, दाब कम है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन। ठीक है, केसीन प्रोटीन होता है मेरे मानव, लेकिन दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए केसीन अणुओं को पास पास लाने का काम किसका है? लैक्टोबैसिलस तो खुद है वो अपने शरीर के अंदर उसकी बात कर रहे हैं, जो उत्तेजित करेगा उसको जल्दी हो रहे। लैक्टोबैसिलस तो वो खुद है जो तेज करेगा उसकी स्पीड को, उसकी गति को बढ़ाएगा दही जमाने के लिए। बट वेरी गुड मॉर्निंग। लैक्टिक एसिड है वो, तो इसके अलावा कौन सा पदार्थ? लैक्टिक एसिड तो पूरी दुनिया जानती है, जो पूरी दुनिया जाने वो तो जान के क्या करोगे, पेपर में आने बंद हो रहे हैं। रेनिन, क्या रेनिन जान रखना, और किसे बनाता है? कैल्शियम पैरा कैसीनेट में। किसमें प्रवेश करता है? कैल्शियम पैरा कैसीनेट में परिवर्तित करता है। किसको? केसिन को। ठीक है ना, छोटी छोटी लाइनें हैं, लगता है इनमें कुछ नहीं है लेकिन इनमें सब कुछ है। चले ऑप्शन से आ जाता है, पर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें को इतना जान हो कि कल को बैठ जाओ ना तो आंख मूंद के ये तो बल्ले बल्ले। देखो भाई, आनुवांशिकी और जैव विकास, ठीक है, आनुवांशिकी और जैव विकास, हेरिडिटरी चेंज इसे ही कहते हैं। अपन जीवन है तो अपना जीवन भी किससे है? इस आनुवांशिकी से ही, अपना खुद का भी जीवन है। क्यों? क्योंकि अपन को इससे क्या मिले हैं? अपने माता पिता से गुण मिले हैं, और गुण चाहे आप में ही नहीं आए हैं, किसमें आए हैं? पेड़ पौधों में भी गुण आते हैं, जीव जंतुओं में भी गुण आते हैं, और अपने अंदर भी गुण आते हैं। किसे? हेरिडिटी। ठीक है, देखो प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती है वैसे माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। मतलब जनक कौन है? माता पिता या पड़दादा पड़दादी, दादा दादी, ये सब क्या है? अपने जनक है। कभी आपने देखा होगा क्या होता है कि डीएनए जो है अपना आज वाले से नहीं मिल रहा, मुख्य जो डीएनए का जो टी क्रोमोसोम है वो कहां से मिल रहा है? गुणसूत्र पड़दादा के भी पड़दादा से होती है ना, बिल्कुल समान संतान दोबारा उत्पत्ति उत्पित होती है, और वो उत्पत्ति होती है और वो समान दिखती है, जय ऋषि जैसी बचपन में जैसे वो दिखते थे वैसे ही वो दिखता है, बड़े होता है तो भी वो सेम दिखता है, कोई डिफरेंस नहीं होता उनके अंदर। सिर्फ ये किसमें होते हैं? या तो शकल में होगा, या तो किसमें होगा? शकल में होगा, या फिर किसमें होगा? स्वभाव में। बताओ स्वभाव में कैसे होगा, रीजन बताओ। नहीं, स्वभाव बाहर से लेते हैं, आनुवंशिक नहीं। सुनो मेरी बात, आपको इसी भी बताया जाता है बाहर से लेते हैं स्वभाव, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। गुस्सा आएगा किससे? किससे होगा गुस्सा कंट्रोल? किसकी वजह से आता है गुस्सा? एड्रेनलिन मुख्य रूप से, ठीक है, क्रोध गुस्सा भय इन सब में एड्रेनलिन स्त्रावण होता है, लेकिन इनकी मात्रा कितनी उत्सर्जित करती है ये किसके ऊपर डिपेंड है? अपने जीन्स के ऊपर, समझ रहे हो? वो जो मेडुला ऑब्लेक्टा जो बिल्ट हुआ है, कैसे बिल्ट हुआ है? उनके अनुसार, और जिस अनुसार वो बिल्ड हुआ है वो दोबारा वैसा ही काम करेगा जैसा उस समय काम करेगा। तो कभी कभी चेहरा वगैरह ये तो परिवर्तन होता है लेकिन स्वभाव वैसा होता है। हाँ, बाहरी स्वभाव आप मानसिक स्वभाव को बदल
सत्य हो, लेकिन जो चीज जितनी स्त्रावित होगी, होता ना कभी कभी झाड़ आ जाती है, किसी की नहीं सुनते, आती है तो नहीं आती, क्या वो गुस्सा किसी का किसी ने सिखाया कि गुस्सा ऐसे करते हैं, नहीं सिखाया ना, स्वाभाविक आता है ना अंदर से, वो क्यों आता है, उतना ही आता है जितना आपके मेडुला ऑब्लेंगा में पहले से स्थिर हो, कितना आपका हार्मोन सीक्रेशन आपका होता है, नहीं तो किसी को गुस्सा कम आता है, किसी को कोई बोलता ही नहीं, गुस्से में चुप ही रहता है, ठीक है, मेरा जैसा जीव होता है साइड में चला जाता है, जहां गुस्से आने वाली बात हो पहले निकाल देते, अब क्या करते हैं कि यार ये यहां बिछड़ते रहेंगे, यहीं लड़ते रहेंगे, अपने यहां से उठो और साइड में हो जाओ, अगर कोई नहीं मान रहा, कोई गुस्सा हो रहा है तो उसको अकेला छोड़ दो, बोलते ना अरे गुस्सा मत हो, 10-15-20 दिन शादी में करते हैं एक साथ पास आ जाते हैं, गुस्सा मत हो, शांत हो जा, शांत हो जा, वो उसके भाव और बढ़ जाते हैं और वो और तो रखाता है, बेस्टिंग सब साइडों में हो जाओ, वो अपने आप ही थोड़ी देर में शांत होकर सबके साथ आके वापस घुल मिल जाएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है शादी सुधारने का, भाव बिगड़ रहा हो, लड़ाई हो रही हो तो क्या करना है, उसको अकेला छोड़ दो जो गुस्सा कर रहा है, सब साइड में जाओ, वो आधे घंटे में चुप होकर वापस आ जाएगा और सब सारा काम करने लग जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, समाज में ये दिक्कत है वो दूर करनी, लिख लिया करो इन चीजों को, एक एक दो चीजों, देखो जनकों से उनके संतान में संचरित होते हैं ऐसे गुणों, क्या कौन सा गुण कहते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर जो अपन को मिलते हैं, ठीक है, या पैतृक गुण या पैतृक लक्षण भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, पैतृक गुण ही नहीं कहते, पैतृक लक्षण के तौर पर भी आ सकता है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण क्या कहलाता है, आनुवांशिकता, क्या कहलाता है, आनुवांशिकता, अंडरलाइन करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण क्या कहलाएगा, आनुवांशिकता या हेरिडिटी, मूल गुणों के संचरण के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने जनकों के गुण के समान होते हैं, वही बात है, कोई घुमा फिरा के, इन गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मकों के द्वारा होता है, यही की बात है, युग्म कौन से, जो अपने मरने के अंदर जायगोट वगैरह गैमेट्स वगैरह, वही, अतः जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है, वही बात आ गई, कोई फालतू पढ़ने की है नहीं रामायण, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक्स को गोड़ा करो, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसने पाया था, मटर के पौधे में, ठीक है, ध्यान रखना, मटर का पौधा, जेंडी आ जाए मेंडल आएगा, क्या आएगा, मेंडल आएगा, और कौन सा मेंडल आएगा, ग्रेगर, है ना, मटर और ग्रेगर, जब बोल लेना, बोल के कुछ ना कुछ सिमिलरिटी लगे अपने आप ही टिक कर देना, ग्रेगर हो गया मटर से मेंडल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, ने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवंशिकी, अनलाइन करो, आधुनिक आनुवंशिकी की नींव, आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर, देखो जेनेटिक्स है तो ही जी है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 जिए हैं, ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, वो हटाओ कोई मतलब वाली बात नहीं है, लेकिन ये जान रखना कौन से देश में थे, ऑस्ट्रिया, ब्रून को कर लेना गोला, ठीक है, उन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवांशिकता की नींव डाली, मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोग के निष्कर्षों को अंडरलाइन करो, मटर के पौधों पर प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने 1866 को गोला में एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित कराया, परंतु विज्ञान जगत में 34 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, देखो 34 वर्षों तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया, आज अपन जो कर रहे हैं उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, आज से 34 साल बाद में देखेंगे कि हाँ उन्होंने कुछ करा था, महाराणा प्रताप ने जो करा था उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, कब ध्यान दिया, उसके मरने के भी 100-200 साल बाद में जान दिया कि महाराणा प्रताप इतना महान था, उसने क्या क्या किया है, हाँ महाराणा प्रताप और सांगा कब ध्यान दिया, इतना भी पढ़ाई में बच्चो, मानता हूँ पढ़ाई में खो जाते हो, लेकिन इतना भी नहीं, महाराणा प्रताप सांगा कितने कितने साल बाद में, सांगा के हाथ कट गया, आंख फूट गई, है ना, टांग हताहत हो गई उसकी, 80 का 80 नहीं 86 थे, है ना,
घाव थे वो तो, बाकी फूटे टूटे वो तो अलग थे पहले से ही, वो तो घाव थे उसके जो लगे थे उसके मरते समय पूरे, ठीक है ना, जब वो बिस्तर पे था बीमारी से उससे ग्रसित। तो अभी अपना भी ध्यान नहीं दे रहे, बाद में ध्यान देंगे जब अपन पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे या ऊपर चल जाएंगे तब, ठीक है। देखो परंतु विज्ञान जगत में 34 वर्षों तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना। उनके मृत्यु के पश्चात, यही वही बात आ गई, किसके पश्चात, मृत्यु के पश्चात 1900 में इनके प्रयोगों के निष्कर्ष को वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता मिली। आज अपन कहते हैं कि भाई दे मतलब अभी पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई से सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई अभी कोई ध्यान नहीं दे रहे बनागिरी, तो वही इनका लड़कियां ध्यान ज्यादा देती हैं। देखो भाई मेंडल ने अपने प्रयोगों को, लेकिन आज वो भी आजकल दिक्कत होगी टिकटॉक वाली गर्ल्स में, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों को चुना, अंडरलाइन करना, मेंडल ने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी, 7 जोड़ी गुणों को, मतलब 14 गुण टोटल, कुल कितने गुण है 14, 7 जोड़ी गुणों को चुना जिनमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने की क्षमता रखता था, ठीक है ना। उन्होंने पहले को प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी, अंडरलाइन करना, पहले को प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी गुण कहा, ठीक है। एक तो कौन सा होगा डोमिनेंट और एक कौन सा होगा रिसेसिव, ठीक है। मेंडल ने गुणों को वंशानुगति के लिए जिम्मेदार इन कारकों को एक प्रतीक से व्यक्त किया। गुणों के जोड़ों में उन्होंने प्रभावी लक्षण के कारक को अंग्रेजी के बड़े अक्षर, मतलब जो डोमिनेंट है ना, जो दबा रहा है ना, उसको तो कैसे दिया, कैपिटल, अंडरलाइन करो कैपिटल लेटर। प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर से व्यक्त किया, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। लंबापन कैपिटल टी गोला, बोनापन स्मॉल टी गोला, ठीक है। देखो भाई बीजों में कितने जोड़ी लिए उसने, टोटल 7 जोड़ी। तो देखो क्या क्या लिया, बीजों की आकृति पहले को टिक, बीज पत्र का रंग दूसरा टिक, फूल का रंग कैसा है तीसरा, फली की आकृति कैसी है चौथा, फली का रंग कैसा है पांचवा, पुष्प की स्थिति कैसी है वो, पौधे की लंबाई कैसी है। तो देखो कैसा होना चाहिए, गोल चिकना बीज, और एक कैसा बीज उसका, दो ही है ना, कम प्रभाव डालेगा क्योंकि ज्यादा आप मटर देखोगे तो मटर में क्या ज्यादा झुर्रीदार बीज होंगे या गोल चिकने बीज होंगे, गोल चिकने ज्यादा होंगे, तो जो चीज ज्यादा है वो चीज उसने प्रभावी में डाली, क्योंकि प्रभाव वही तो करेगा जो अधिक संख्या में, वही तो प्रभाव करेंगे, ठीक है ना। आज अगर राजस्थान में बीजेपी हार रही है तो क्या प्रभाव किसका था, कांग्रेस का, अरे वसुंधरा का, कांग्रेस का, तो प्रभाव किसका था, वसुंधरा का, जिसकी वजह से हारी, ठीक है। तो मेन वही जाना जाएगा, ये तो क्या हो गया अप्रभावी गुण हो गया। आज राहुल गांधी की वजह से थोड़ी जीत रहे हैं, नहीं ना, कारण थोड़ी वो जीतने का, जीतने का कारण तो क्या था, नाराजगी, सिर्फ नाराजगी और कुछ नहीं थी। देखो बीज पत्र का रंग, पीला बीज पत्र और हरा बीज पत्र, ठीक है। नेक्स्ट पुष्प का रंग लाल और सफेद, फली की आकृति चिकनी और संकीर्णित, ठीक है। फली का रंग हरा होगा या पीला होगा, ठीक है। पुष्प की स्थिति कैसी, कशक्ष और अग्रस्त, आगे की ओर झुकी हुई हुआ है, कशक्ष बिल्कुल बराबर सी है ना। पौधे की लंबाई लंबा और बोना, ठीक है जान। तो देखो मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनन कोशिकाओं में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं, अंडरलाइन करो। मेंडल के अनुसार जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं, दोनों कारक समान तो सम युग्मजी, गोला करना होमोजाइगस, जब विपरीत तो विषम युग्मजी, हेटरोजाइगस को गोला, ठीक। जनन कोशिकाओं में अगर कोई गुण आया है उसके लिए दो कारक जिम्मेदार है, तो अगर ये दोनों कारक क्या हो, समान हो, मतलब लंबा लंबा दोनों मिल गए, क्या मिल गए, लंबा लंबा दोनों मिल गए और पौधा क्या निकला, लंबा निकला,
तो कौन सा होगा, समयुग्मजी या फिर विषमयुग्मजी? समयुग्मजी मतलब एक लंबा दोनों के मिल गए, दोनों गुण मिल गए और दोनों कारक क्या है वो, दोनों फैक्टर समान है, डोमिनेंट वाले आ गए, तो कौन सा होगा वो? समयुग्मजी। विषमयुग्मजी जब होगा, जब एक तो अलग और दोनों क्या हो, विपरीत, एक लंबा एक बोना, तो कौन सा निकलेगा? विषमयुग्मजी। आगे बात समझ में ठीक है, दिमाग बैठा है ना, चले आके देखो। तो संयुग्मजी कैसा होगा? लंबा लंबा और लंबा छोटा बीच में आएगा तो क्या होगा? विषमयुग्मजी। देख लिया उदाहरण नीचे, वही बात है जो मैंने ऊपर बताई आपको, ठीक है। देखो, मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों और फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशा गति का अध्ययन किया। पहले कैसे करा? एक जोड़ी विपरीत गुण, एक जोड़ी विपरीत गुण कैसे, दोनों छोटे लेके क्या करा उसने, एक एक है ना, एक टी एक टी, ठीक है, फिर दोनों को विपरीत कर दिया उसने, क्या करा, एक टी इधर एक बड़ा टी एक छोटा टी एक बड़ा टी है ना, और एक बार क्या करा उसने ऊपर वाले को बदला था, वो तो समान रखे थे उसने, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसे क्या कहते हैं, एक संक्रिय और द्विसंक्रिय क्रॉस कहते हैं। अब पढ़ेंगे अपन कौन सा क्रॉस, एक संक्रिय क्रॉस, पीछे दे रखा है क्या, द्विसंक्रिय क्रॉस दे रखा होगा, देर था होगा, अच्छे तो हाँ देर था ना, बस देखो एक संकरी क्रॉस देखिए भाई, जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण मतलब एक तरह का लक्षण के आधार पर संकरण, मतलब एक मेरे को ये लक्षण चाहिए उसको मैंने क्या बना लिया, मेरे को लंबा पौधा चाहिए उसको क्या बना लिया मैंने, आधार बना लिया, वैसा लक्षण पाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए वो देखो, आधार आधार पर संकरण कराया जाए तो इसे एक संक्रिय मतलब कोई आधार पहले से उसने निश्चित कर लिया वैसा ही लक्षण चाहिए तो क्या करेगा वो, एक संक्रिय क्रॉस कराएगा, ठीक है ना, फिक्स है ना, इस तरह का चाहिए तो एक तरह का निकाल सकता है वो, कैसा क्रॉस हो जाएगा, एक संक्रिय क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। एक संक्रिय क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधों की दो ऐसी उपजातियां चुनी जिनके विपरीत लक्षणों के जोड़े में एक लंबा, अंडरलाइन करना, दो ऐसी उपजातियां चुनी एक संक्रिय क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधों की दो ऐसी उपजातियां चुनी जिनके विपरीत लक्षणों के जोड़ों में एक लंबा, विपरीत लक्षण में क्या था, एक तो लंबा तथा दूसरा बोना था, आपस में क्रॉस कराया तो देखा पहली पीढ़ी F1 जनरेशन में बीजों द्वारा जो पौधे उत्पन्न वे सभी कैसे थे, लंबे, मतलब पहली पीढ़ी बनी वो कैसे बनी, लंबे, ठीक है। इन सभी पहली पीढ़ी वाले पौधों को F1 पौधे कहते हैं। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों को उन्होंने फिर स्व परागण द्वारा उगाया और पाया कि दूसरी पीढ़ी, अनलाइन करो, दूसरी पीढ़ी F2 में पाए जाने वाले लंबे तथा नाटे पौधों का समलक्षणी अनुपात 3:1 था, कितना था, 3:1। अब सुना देखो, उसने क्या लिया था, दो जोड़ी लिए, एक तो कैसा लिया, लंबा पौधा और एक कैसा लिया, छोटा, ठीक है। अब जब उसने ये पौधा लिया, अब ये क्या करा, एक संतति उन्होंने पैदा करी, कितनी पैदा करी, एक संतति, जब वो एक संतति उन्होंने पैदा करी तो क्या हुआ, एक क्या हुआ, लंबा, मतलब जो भी पहली पीढ़ी जो ये दोनों मिलकर बना रहे हैं ना वो सारे सारे क्या होंगे, लंबे होंगे कंप्लीट। मतलब अगर इन्होंने 5 बच्चों को जना है, पहली पीढ़ी ने मटर के पौधे के, पहली पीढ़ी ने अगर 4 पौधे बनाए हैं, 2 पौधे बना लो आप, ठीक है, 2 पौधे बना लेते हैं क्योंकि हम दो हमारे 2, उसके हिसाब से अगर 2 पौधे बनाते हो तो 2 पौधे में क्या होंगे, दोनों लंबे होंगे। आ रही बात सुनिए, अब वो दोनों मिलके हम दो हमारे 4 करना चाहें तब वो करेंगे तो क्या होगा, 3 तो लंबे, क्योंकि दोनों लंबे तो है वो, लेकिन उनमें पहली संतति के जो गुण है वो क्या है, अभी कम मात्रा में है, उसको अभी वो एक्टिवेट नहीं हुए, वो कब एक्टिवेट होते हैं, तीसरी पीढ़ी में जाके, ठीक है, दूसरी पीढ़ी आएगी, ये तो पहली पीढ़ी होगी, अब दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, 1, 2 और 3, 3 तो कैसे हो जाएंगे, लंबे और एक कैसा होगा, बोना, 3 लंबे और 1 बोना, ये कौन सी पीढ़ी होगी, दूसरी पीढ़ी। ये कैसा क्रॉस हुआ, एक संक्रिय क्रॉस जिसमें
पहली पीढ़ी में जब जनन जो होती है वो दोनों विपरीत होता है, एक लंबा और एक छोटा लेते हैं, जिसमें जो पहली पीढ़ी होती है वो दोनों लंबे निकलती है, और दूसरी पीढ़ी में अनुपात क्या होता है, 3:1, मतलब 3 तो कैसे होंगे लंबे और 1 कैसा होगा छोटा। ये कैसा होगा, पोते में होगा या बेटे में होगा, पोते में, उस मटर के जो मटर दादा बना है उसके पोते में क्या होगा, 3 तो 3 पोते उसके लंबे होंगे, चौथा पोता क्या होगा वो ना होगा। आगे भाषण में चले आगे, वही है। इस प्रकार के अनुपात को एक संक्रिय अनुपात कहते हैं। कौन सा अनुपात कहते हैं, एक संक्रिय अनुपात मोनो हाइब्रिड रेशियो कहा जाता है, ध्यान रखना। 3 लंबे पौधों में एक शुद्ध लंबा, अंडरलाइन करो, जिसमें से एक क्या होगा शुद्ध लंबा, एक तो पूरा लंबा लमदड़ ताड़ बिल्कुल है ना, 2 मिश्रित, 2 कैसे होंगे मिश्रित, जिनमें पहली वाली पीढ़ी के लक्षण है, बोने वाले के लक्षण तो है लेकिन पूर्ण रूप से निकले नहीं है बाहर, और या मिश्रित या संकर, संकर लंबे। अपने बीज कौन से उगाए जाते हैं भाई, संकर वाले, बताओ क्यों, क्योंकि दोनों पीढ़ी के गुण चाहिए होते हैं उनको, जिससे वह दिक्कत ना करे पौधा, है ना, खराब ना हो, ध्यान रखना। संकर लंबे और एक बोना पौधा जो F2 पीढ़ी से बना था वह शुद्ध बोना था, क्या था शुद्ध बोना। तो पोते में 4 अगर पोते आए तो कैसे आए, 3 एक शुद्ध लंबा, और 3 लंबे तो हुए लेकिन उनमें से क्या था, एक शुद्ध लंबा, उसके अंदर शुद्धता थी बिल्कुल प्योरिटी, और एक शुद्ध बोना, और 2 कैसे हो गए मिश्रित, लेकिन मिश्रित कैसे है, संकर तो है लेकिन वो लंबे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चले आगे, यदि हम F2 के पौधों से तीसरी पीढ़ी अर्थात F3 प्राप्त करें तो देखेंगे शुद्ध लंबे सदैव ही लंबे पौधे बनाते, अंडरलाइन करना, F2 पौधे से तीसरी पीढ़ी अर्थात F3 प्राप्त करें तो शुद्ध लंबे पौधे सदैव ही लंबे पौधे बनाते हैं, क्योंकि उसमें गुण कौन सा था, सिर्फ लंबों का, है ना, ध्यान रखना, इसलिए यही कारण है और कोई कारण नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार शुद्ध बोने हमेशा ही कैसे बनाएंगे, बोने, परंतु मिश्रित लंबे क्या बनाएंगे, TT का क्रॉस कराया जाए तो F2PD की भांति लंबे और बोने पौधों का समलक्षण अनुपात कौन सा हो जाएगा, 3:1, वो भी मिश्रित ही पैदा करता जाएगा, ऐसी कोई माता बच्ची करने की जरूरत है नहीं। तो देखो भाई, देखो मेंडल के एक संक्रिय क्रॉस के परिणाम क्या थे, पहली पीढ़ी बड़ा टीटी मतलब शुद्ध लंबा है ना, दोनों लंबे लंबे क्रॉस तो क्या बना, और दोनों क्या था छोटा छोटे, ठीक है, एक तो शुद्ध बना और शुद्ध लंबा बना, तो क्या आया संकर लंबा, लेकिन लंबा आया कौन सा आया, संकर हो गया लंबा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये संकर और वो संकर में फर्क है, समझे, और फिर जब ये क्रॉस हुआ है ना इन दोनों का TOT का, तब क्या आया शुद्ध लंबा एक निकला, एक संकर लंबा और एक क्या निकला शुद्ध बुना, तो यहां अनुपात कौन सा है, 3:1 करो, और नीचे भी 3:1, ठीक है, जहां संकर लंबे वाला क्रॉस होगा ना वहां पे। आगे भाषण में इनमें भी, इन संकर लंबों में भी क्या होगा, एक शुद्ध लंबा निकलेगा और एक शुद्ध बोना निकलेगा, फिर क्या निकलेगा दो संकर लंबे, समझ रहे मेरी बात को, और ये शुद्ध लंबा क्या होगा, सिर्फ लंबे लंबे दिए जाएगा, और सेम ही समान अपने चलते हैं, क्या होता है हस्बैंड तो बहुत लंबा चौड़ा लीव है ना, और वाइफ छोटी हाइट में, तो क्या होता है, क्या सारे बच्चे छोटे होते हैं, नहीं ना, ठीक है। अब हमारे ये था, हमारे सामने थे एक हमारे भैया थे मेरे साथ 10th में, अंशु कोशिया, पापा 6'3", फादर की हाइट, मदर की हाइट 5'11" के लमसम, ठीक है, दोनों भाई ताड़ के जैसे लंबे, मतलब शुद्ध लंबे, कौन से लंबे, शुद्ध लंबे। अगर अब उनकी शादी किससे होती है, कम हाइट से होती है, तो भी क्या लंबे बच्चे होंगे या छोटे बच्चे होंगे, ऊपर तो लंबे लंबे ही थे, तो अभी भी क्या होंगे, सारे लंबे पैदा होंगे, सिर्फ एक के चांस रहेंगे 3 में से, किसके, एक के, किस चीज के, बोना होने के, लेकिन जो मिश्रित लंबे होंगे वो भी लंबे होंगे 6 फीट, लेकिन उन जो भी एक तो शुद्ध लंबा, उनमें से 4 अगर उन्होंने बच्चे करे एक ने, तो उनमें से एक तो शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना हो गया, मतलब जो वाइफ के बराबर की हाइट का, और जो तो 2 बचे वो फिर पैदा कैसे करेंगे, वो भी सेम ही पैदा करेंगे, क्या 2 मिश्रित लंबे, एक बोना और एक शुद्ध लंबा, उनमें से भी लंबे गुण निकलते जाएंगे। आई होप जो आपको आज तक समझ में नहीं आया वो आज आपको समझ में आ चुका हो, आ गया।
नहीं आया था पहले? आया हुआ था क्या? चलो ठीक, जिनको नहीं आया उनको आज आ गया होगा भाई, है ना? पहले आया हुआ था है, थोड़ा हुआ है थोड़ा। चलो ठीक, F2 PD के तीन लंबे और एक बोने पौधे में एक शुद्ध लंबा TT और दो मिश्रित लंबे TT और एक शुद्ध बोना, ठीक है, स्मॉल TT हुआ जिसका अनुपात 1:2:1, वही बात हो गई, ठीक है, जो आपने पहले अपन को बताया था F3 वाली, है ना। F3 शुद्ध लंबे से क्रॉस कराने पर शुद्ध लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, जैसे TT और TT आपको पता है ऑलरेडी, कोई दिक्कत है नहीं। F3 शुद्ध नाटे से क्रॉस कराने पर TT छोटा पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन मिश्रित लंबे को क्रॉस कराने पे क्या होता है, हमेशा शुद्ध लंबा 3:1 के अनुपात में ही लंबे और बोने नाटे पौधे प्राप्त होते हैं, जैसे मिश्रित लंबा और शुद्ध लंबा। अंडरलाइन करना, हमेशा शुद्ध लंबा होमोजाइगोस्टॉल, मिश्रित लंबा हेटरोजाइगोस्टॉल, हमेशा शुद्ध बोना होमोजाइगोस्टॉल, ठीक है। अनुपात फिनोटाइपिक अनुपात 3:1, जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1, एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना और दो मिश्रित, ठीक है, और तीन लंबे फिनोटाइपिक अनुपात में, ठीक है। चलें आगे, देखो एक संघ क्रॉस में लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति क्या होती है, वो देखो शुद्ध लंबे में, है ना, शुद्ध बोने में क्रॉस होगा TT आ जाएगा और TET छोटा हो जाएगा, दोनों इधर आएंगे तो क्या होगा, एक लंबा शुद्ध एक लंबा संकर, है ना, लंबा शुद्ध एक, दो लंबे संकर और दो बोने शुद्ध, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिनोटाइपिक अनुपात जीनोटाइपिक अनुपात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं द्विसंकरीय क्रॉस की। ये द्विसंकरीय क्रॉस थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो। देखो इसमें दो जोड़े विपरीत लक्षणों को क्रॉस कराया जाता है, कौन से, वहां पे कैसे था, एक जोड़ा था ना, यहाँ पे दो जोड़े मतलब दो गुण अलग अलग, कैसे गुण, दो इसमें दो जोड़े विपरीत लक्षणों को क्रॉस कराया जाता है। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज, अंडरलाइन करना, मेंडल ने द्विसंकरीय दो संकर के क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज एवं हरे तथा द्विदार बीज से, एक बीज कैसा था, गोल था और कैसा था, पीला पत्र, ठीक है, और एक कैसा था, जुरीदार, हरा हो और जुरीदार, ठीक है, से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया, इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होता है। गोल और पीला बीज क्या, अंडरलाइन करो, गोल तथा पीला बीज क्या था, प्रभावी, प्रभावी मतलब डोमिनेंट था वो, उसका मुख्य प्रभाव, तो मतलब वही लंबे वाला केस आ गया, यहां लिख लेना T, प्रभावी में लिख लेना T, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि थोड़े से उस वाले गुण आएंगे, ठीक है, T लिखना प्रभावी के पास में, जिससे आपको ध्यान रहे, इसी का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है ना, तो ज्यादा कैसे निकलेंगे, गोल और पीले वाले निकलेंगे ज्यादा, तो ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो दोनों पौधों को क्रम से किससे डिनोट करेंगे, RR YY और स्मॉल RR YY, ठीक है, देखना, से प्रदर्शित किया जाता है स्पष्ट है कि पहले पौधे के युग्मक में RY कारक और दूसरे पौधे के युग्म में RY कारक होंगे, मतलब जब शुद्ध होंगे वो तो यही होंगे ना, ठीक है। जब इन दोनों पौधों में कृत्रिम पर प्रागरण कराया जाए, मतलब एक दूसरे का पर प्रागरण हो गया, कराया जाए मतलब या तो कर लो या फिर कोई, कौन करेगी पर प्रागरण, कौन करता पर प्रागरण बताओ, और हवा और पानी से भी होता है, और पक्षी, मुख्य परागण किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा ना, जो मुख्य रूप से परागण होता है। दूसरा परागण मुख्य रूप से किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा, कैसे, आसपास ही पौधा होता है, उठ के परागण उड़ के दूसरे पे गिर जाता है और परागण वहां होता है। तीसरा परागण मुख्य रूप से छोटे मोटे कीट पतंगों के द्वारा, चौथा पानी के द्वारा, चार तरह के मुख्य परागण है। पानी वाला वैसे इतना मुख्य नहीं है, क्यों, क्योंकि पानी बह नहीं पाता, पानी पहले ही सोख लिया जाता है और दूसरे पौधे तक पहुंच नहीं पाता, और पानी में क्या होता है, परागण तो कहां पे होता है, नीचे थोड़ी होता है, परागण कहां होता है, ऊपर पुष्पों के अंदर, ठीक है, तो वहां तक बीज उछड़ के तो चला जाएगा, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनमें होता है वो परागण, जो बिल्कुल क्या होते हैं, जमीन से टच होते हैं, जो होते हैं ना बेल वगैरह, बेल पत्र वगैरह, उनमें फूल लगे होते हैं, उनमें वो परागण होता है, औरों में नहीं होगा, बड़े पौधों में, जैसे अपन ये नहीं बोल सकते हजारे में वो वाला परागण होता है, नहीं होगा, पानी वाला परागण कैसे होगा हजारे में, लेकिन वो किस में हो सकता है, कमल में हो सकता है,
कमल के पौधों में हो सकता है ना आगे वाला जल वाला परागण, तो कुछ में होता है, रोसोडोफिया में होता है जो अपन पढ़ा था ना, ठीक है, उनके अंदर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। जब इन दो पौधों में कृत्रिम पर परागण कराया गया तो उत्पन्न बीजों से पौधे प्राप्त हुए, वे सभी गोल और पीले शंकर बीज बने। कैसे बने? गोल और पीले शंकर, यहां झुर्रीदार और हरा रंग अप्रभावी गुण था, अतः वे F1 पीढ़ी में छिपे रहे। F1 पीढ़ी में क्या थे? छिपे ही रह गए, किंतु गोल तथा पीला रंग प्रभावी गुण था, इस कारण वे प्रकट हुए। अब इस F1 पीढ़ी के पौधों में स्व परागण होने दिया गया और F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए गए। अब कौन सी पीढ़ी आएगी? दूसरी पीढ़ी, जो बताया था आपको। पृथक्करण नियम के अनुसार चार प्रकार के बीज बने जिनका अनुपात इस प्रकार है। एक करना, गोल प्लस पीला बीज 9, झुर्रीदार प्लस पीला बीज 3, गोल प्लस हरा बीज 3 और झुर्रीदार प्लस हरा बीज। तो देखो, गोल पीला बीज तो पूर्ण रूप से आया, कितना आया? 9 बीज। कितना आया? 9। ये कितने बीज बनेंगे? झुर्रीदार और पीला बीज 3, गोल और हरा बीज, मतलब उसका एक एक गुण ले लिया उसने, ले लिया ना एक एक गुण, पहले गोल हरा बीज और झुर्रीदार पीला बीज, तो दोनों गुण ले लिए, लेकिन एक गुण किसका? ये संकर प्रजाति होगी। कौन सी प्रजाति होगी? संकर। और ये कितना हुआ? शुद्ध वाली 9, और वो शुद्ध कितनी थी? सिर्फ एक बनेगी, झुर्रीदार और हरे बीज की सिर्फ एक बनेगी, ये भी कौन सी? F2 में। ठीक है, गोल और गोल पीले और झुर्रीदार पीले बीजों में 3:1 का अनुपात रहा, गोल हरे और झुर्रीदार हरे बीजों में 3:1 का अनुपात रहा। देखो भाई, पैतृक पौधा और F1 पीढ़ी कैसे बनी और आगे की पीढ़ी कैसे चलेगी वो देखना। ठीक है, बोला रहा है। देखो भाई, गोल व पीला शुद्ध थे, ये शुद्ध थे, और कौन से गुण थे? प्रभावी, लिख लेना प्रभावी, डोमिनेंट गुण। डोमिनेंट गुण कौन सा है? गोल व पीला, गोल चिकना बीज व पीला, झुर्रीदार कम चिकना व हरा, ये कौन सा है? अप्रभावी गुण। लिख लेना, लिखना चाहो तो अप्रभावी, ये कम रूप में आएगा। तो देखो, जब युग्मक बनेगा तो क्या आएगा? R और Y, ये उसका क्या बना? जाइगोस। ठीक है ना, तो ये जाइगोस बना। ठीक है, अब ये जो जाइगोस बना, ये RY कैपिटल और RY स्मॉल, ठीक है ना, ध्यान रखना। जब इनका अपन ने प्रपरागण हुआ तो क्या बना? RR और YR, तो संकर बीज बना। कौन सा बीज बना? संकर बीज, वही सेम क्रॉस जो कहां हो रहा था उसमें हो रहा था, कोई डिफरेंस इसके अंदर भी नहीं है। मतलब एक कैपिटल आर, दोनों आके क्या होंगे? ये यहां पे मिक्स होंगे, ये वाई स्मॉल करना भाई, हाँ यहां पे वाई स्मॉल करना, एक, ठीक है, स्मॉल वाई लिखना, उसमें भी यही है, गलत है बुक में भी, ठीक है, स्मॉल वाई करना टेबल में। नेक्स्ट देखो, अब जो बनेंगे मादा युग्मक वो कैसे बनेंगे वो देखो, नर कैसा और मादा कैसा वो दोनों देखो। अब देखो, इधर जो मादा का क्रॉस आया कैसा आया? नर वाला, नर मादा वाला कैसा आया? कैपिटल RY, और इधर भी क्या था? कैपिटल। शुद्ध वाले से मिले तो क्या बनेगा? शुद्ध बना, है ना, मादा RY है लेकिन स्मॉल छोटा हो गया और वो कौन सा हो गया? बड़ा, तो कौन सा बना? ये तीन ही बड़े होंगे, एक छोटा ही तो आएगा, वाई वाला। ठीक है, तो वाई कौन सा था? वाई का अर्थ बताओ क्या है फटाफट, अरे अशुद्ध है ना, वाई का अर्थ यहां पे क्या होगा? देखो, जो स्मॉल वाई का अर्थ क्या हुआ बताओ फटाफट, नहीं स्मॉल वाई का अर्थ, स्मॉल वाई का हरा, ऑनलाइन लिखना, स्मॉल वाई बराबर हरा, कैपिटल वाई पीला, लिखो कैपिटल वाई बराबर पीला, कैपिटल आर गोल और स्मॉल आर झुर्रीदार। आई बात समझ में? क्लियर समझ में आई जो कह रहा हूं? स्मॉल वाई आया तो क्या आएगा? हरा, और स्मॉल वाई दोनों आने चाहिए, स्मॉल वाई दोनों आने चाहिए। देखो इधर से देखना, फोर्थ मतलब आप तीन एक साथ ले लो कॉलम और तीन दो रो ले लो, तो कैपिटल 2 आ रहे हैं ना बड़े वाले, है ना, नर का दूसरा और मादा का दूसरा, तो देखो जहां मिलान हो रहा है ना दोनों का, है ना, 2 कैपिटल R 2 छोटे Y, तो क्या बना? गोल और हरा। आई बात समझ में? ठीक है,
एक आर कैपिटल है, दोनों कैपिटल में गया और ये क्या हो गया, दोनों छोटे मिले तो क्या बना, गोल और हरा बना। ठीक है, देख लोगे सारा, एक समझा दिया, गणना काफी है ना। ये यहां नहीं करना, ये आपको कहां करना है, अगर एग्जाम में आ जाए कि आपको पीडी ये दे दी, इन दोनों पीढ़ियों के बंद करने वाला गेट, थोड़ी सी प्रीति बंद करना, हल्का सा गेट को बंद कर लेना, बंद कर ले पूरा, बंद कर ले, एक मिनट धूल आएगी नहीं, है ना। अब सुनो, पेपर में आना क्या है वो देखो, पेपर में आना है आपको दो प्रजाति देने हैं, क्या देंगे, दो प्रजाति, वो क्या देंगे, दो कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई, एक बड़ा वाई, है ना। ठीक है, ये दे दिया आपको, और फिर बोलेंगे कि इनके क्रॉस कराने से क्या बन रहा है, या फिर आपको क्या देंगे, दो देंगे, कैसे, एक आर और एक एक आर स्मॉल एक कैपिटल वाई दे दिया। ठीक है, ये मादा युग्मक, क्या देंगे, मादा युग्मक स्मॉल आर और कैपिटल वाई तथा नर युग्मक स्मॉल आर और स्मॉल वाई के मिलन से किस तरह का बीज उत्पन्न होगा, किस तरह का बीज उत्पन्न होगा, जहां पे स्मॉल आर का अर्थ है झुर्रीदार और कैपिटल वाई का अर्थ है पीला व स्मॉल वाई का अर्थ है हरा। तो बताओ उत्पन्न होने वाला पौधा किस प्रकार का, तो कैसा होगा, झुर्रीदार व पीला पौधा, और होगा क्या, वो शुद्ध होगा क्या, आगे बात सुनिए, शुद्ध होगा। देखो नीचे से देखो थर्ड और उसमें लास्ट में थर्ड, एक मिनट, ये गलत है, ये गलत है लाला, ये गलत है, ठीक है ना, कैपिटल वाइड करो यहाँ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, एक पेंसिल दें, ये जो तीसरा वाला है ना नर वाला, इसमें दो स्मॉल आर आएंगे, वाई की जगह आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर होगा, सही है, क्रॉस कराने, क्रॉस कराना पड़ेगा, देख पहले वाले में सही है दोनों में, है ना, आर वाई सही है ना, आर वाई सही है, लेकिन इसमें है ना कैपिटल वाई और स्मॉल आर आएगा ऊपर वाले में, नर युग्मक में, क्योंकि दोनों तरह की मिक्सित प्रजाति होगा, एक भी तो होगा ना, ठीक है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर आएगा, नहीं सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल वाई, वो आ गया कैपिटल वाई और स्मॉल आर आएगा इसके अंदर, चाहे आर पहले स्मॉल लिख लो और वाई कैपिटल आएगा, बायोलॉजी दिखा नहीं था तुमने, बीएससी कर ली, मैं बीएससी और एमसीए कराऊं, अगर मैं बीएससी कराता ना मैं नहीं भूलता, बीएससी करावा ओ महाराजा को बदनाम नहीं करेगा इस मामले में, मैं महाराजा से हूँ, एक टीचर भी आज तक ऐसा नहीं है जो नहीं आया हो, हमारे सर बायो की फैकल्टी नहीं थी, मतलब जो कैसे नहीं थी, फैकल्टी थी तुम नहीं गए, गए सर, फैकल्टी नहीं है भवानी जैसे कॉलेज में, महाराजा कॉलेज में सारी फैकल्टी, चाहे गेस्ट फैकल्टी हो या फैकल्टी हो, फैकल्टी जरूर है, और तुम्हें नहीं पता वो फैकल्टी पे भी ले रही है, लेकिन तुम उसको बुला के नहीं ला रहे, हमने दो दो बच्चे बैठ के पढ़ाई करी हमने, क्या एस्थेटिक्स, विपिन टायल्स है, वीपी टायल्स है, सबसे फेमस फैकल्टी, किसी को पता ही नहीं है, सब इतनी शानदार स्टेट्स बता रहे जिसको याद नहीं, अभी स्टेट्स डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के हेड है वो, एचओडी साइज वही है अभी, देखो भाई हो गया क्रॉस, समझ में आ गया क्रॉस कैसे करना है ना, क्वेश्चन कैसे आएगा वो पता चलना चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको पता है कि मिश्रित लक्षणों को अंदर लेने पे अपन को मिश्रित लक्षण कम दिखाने हैं और ज्यादा कौन से होंगे मुख्य रूप से, अगर बड़ा लक्षण आ गया तो अपन को कौन सा लक्षण लेना है, बड़े वाले का लक्षण मुख्य है, ठीक है, मेन लक्षण कब होगा वो शुद्ध, जब दोनों छोटे मिल जाए, जब दोनों छोटे मिल जाए ना समान समान, तो देखो यहाँ स्मॉल आर मिला लेकिन बदला नहीं, लेकिन लास्ट वाले का कोने वाला देखो झुर्रीदार हरा शुद्ध निकला ही,
लास्ट कॉर्नर का देखो, शुद्ध निकला ना, शुद्ध कब निकलेगा जब दोनों क्या होंगे शुद्ध मिलेंगे, तब तक वो शुद्ध नहीं निकलेगा, उनका वाला छोटे वाला ड्वार्फ वाला क्यों सबसे कम है और बाकी क्या होंगे मिश्रित होंगे, कैसे 3:3 बताया 3:1 और वो कैसे थे 9, वो कैसे निकले हैं टोटल 9, ठीक है ना। चले आगे देखो मेंडल के नियम, एक संक्रिय क्रॉस एवं द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी कुछ नियमों का प्रतिपादन दिया जिसे मेंडल के अनुवांशिकता के नियम के नाम जाना जाता है। छोड़ो कोई मतलब वाली बात है नहीं, पता है मेंडल ने दिया अनुवांशिकता का नियम। इन नियमों में पहला और दूसरा एक संक्रिय क्रॉस, अंडरलाइन करो, पहला एवं दूसरा एक संक्रिय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा जो नियम दिया वो किसके आधार पर दिया, द्विसंक्रिय आधार पर। अंडरलाइन करना लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपूहन को करो गोड़ा, ठीक है, पृथक्करण को अंडरलाइन। बताओ मैंने प्रामाणिकता में क्यों नहीं करवाया, प्रामाणिकता अभी तक आया नहीं है, क्या आया है लॉ ऑफ डोमिनेंस ही आया है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही आया है, लेकिन स्वतंत्र अपूहन आया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं आया है। आई बात सुनने, ठीक है ना, तो वो वर्ड ध्यान रखना, सही से पढ़ना जो मैंने अंडरलाइन करा है, ठीक है। देखो भाई प्रामाणिकता या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम, इसके अंदर मेंडल ने एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर एक क्रॉस कराया, रखकर क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाले लक्षण प्रभावी रहा। उदाहरण स्वरूप मटर के लंबे पौधे से बोने पौधे का क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही हो गए, इसके नियम से लंबा प्रभावी और बोना अप्रभावी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो माता बच्चे करने की जरूरत है नहीं। मेंडल का पृथक्करण का नियम, इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों मतलब जीन ही होता है कारक, जीन ही होता है जो बदलाव करता है, ठीक है, कारकों के जोड़े के कारण कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही युग्मों के पहुंचता, मतलब एक ही कारक पहुंच रहा था अपन को पता है आपको, ठीक है, एक ही कारक पहुंच तभी तो बनाए वो, और इसलिए तो बोना नहीं बना, बोना ही नहीं बन गया क्या हो गया मिश्रित हो गया, वो दोनों का क्या बनेगा एक एक कारक ही पहुंचेगा, है ना, एक ही कारक युग्म में पहुंचता है, दोनों कारक एक साथ युग्म में कभी नहीं जाते हैं, दोनों कारक नहीं जाते हैं, क्या लेते हैं एक्स वाई गुणसूत्र वाला, वही यही नियम कहां लागू होगा मादा और मादा में भी समान, ध्यान रखना ये जो आपका एक संक्रिय क्रॉस जहां मैंने अपन ने टी की मटर का पौधा कराया वैसा ही क्रॉस किसका होता है अपना भी होता है समान क्रॉस, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं है, वहां पर क्या कर देंगे एक्स वाई कर देंगे समान, ऐसे कैसे निकाल के लाना है आपको कैसा निकलेगा, ठीक है, आप क्रॉस करवाना देखना कौन सा लंबा निकलेगा या बोना निकलेगा, तो आप बोना बच्चा है ना समान है, कोई अंतर नहीं है इनमें, ठीक है। देखो दोनों कारक एक साथ युग्मों में कभी नहीं आते, इस नियम को क्या कहते हैं युग्मों को शुद्धकर्ता का नियम भी कहा जाता है, अनलाइन करो, इस नियम को पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। जब मटर के लंबे पौधे का बोने पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो एफ1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे उगते हैं, लेकिन पुनः जब इस पीढ़ी से क्या स्व परागण कराया जाता है तो एफ2 पीढ़ी के दोनों प्रकार के पौधे होते हैं जहां 3:1 होता है, पता है आपको, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, समझा चुके हैं अच्छे से, 3:1 होता है ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, गोला करा चुके हैं, यहां कुछ मत करना छेड़ना ही मत, स्वतंत्र मतलब आप इस वाले पोर्शन के सिर्फ रूल पढ़ना और छोड़ देना पूरे पैराग्राफ को, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, है ना। स्वतंत्र अपूहन का नियम, इस नियम के अनुसार कारकों के विभिन्न जोड़े को किसी जीव में पाए जाते हैं, जीव में पाए जाएंगे वो जोड़े, ठीक है, एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं, वो किससे मेल खा सकते हैं, ठीक है, और स्वतंत्र पूर्वक मिश्रित होकर नए रंग रूप के जीव बना सकते हैं, मतलब अलग अलग जीव बने थे, चार प्रकार के बन रहे हैं इसके अंदर, वैसे सेम बात है। मनुष्य में लिंग निर्धारण टिक करो या स्टामा करो, 3 स्टार लगा लो, मनुष्य में लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने गुणसूत्र होते हैं लिखना ऊपर, 23 जोड़ी, गुणसूत्र 23 से 22.5 जोड़ी या 22 जोड़ी हो गए तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा ना, किसी का हाथ नहीं, किसी के कान नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी की आंखें नहीं, वो क्या हो जाएंगे डिसऑर्डर। एक जोड़ी से बढ़ गए तो, अगर 48 जोड़ी हो गए तो, 48 हो गए तो गुणसूत्र 24 जोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बताओ 24 जोड़ी गुणसूत्र किसमें, 22 जोड़ी किसमें, है हाँ एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन वो गुणसूत्र है किसमें, कौन से जीव के, 48 जोड़ी 48 टमाटर टमाटर है ना, वो टमाटर के मतलब कोदों के अंदर भी होते हैं, सेम समान होते हैं, कोई ऐसे है नहीं। देखो मनुष्य में
गुणसूत्र की कुल संख्या 46 है, प्रत्येक संतान को समचार समजात मतलब एक समान जात गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा और माता से और दूसरा शुक्राणु द्वारा पिता से प्राप्त होता है। एक गुणसूत्र कहां से मिलेगा? माता से। और एक गुणसूत्र कहां से मिलेगा? पिता से। ठीक है, ध्यान रखना। शुक्र जनन में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा, अंडलाइन करो, शुक्र जनन में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा, शुक्र जनन में कैसे कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्र बताया था वो कली बात चल रही थी अपनी, कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्र। अर्धसूत्र क्या कहते हैं? मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस आ सकता है। क्या आ सकता है? मियोसिस आ सकता है। लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पे भी, है ना। अर्धसूत्र विभाजन दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, कैसे? आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है अर्थात 22 प्लस एक्स, तथा आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी में वाई गुणसूत्र आता है अर्थात 22 प्लस वाई। समझ रहे हो? 23 कैसे बनेंगे? एक्स एक्स वाले, और एक में 23 कैसे बनेगा? एक्स वाई वाले, बाकी सब एक्स है लेकिन अंतिम में क्या आ जाएगा? एक वाई जोड़ देंगे। समझ रहे हो? एक वाई आएगा सिर्फ, वो एक वाई डिफरेंस पता करेगा। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाले अंडाणु पाए जाते हैं। अंडलाइन करो, नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23 जोड़ी एक्सेस होगी, इससे बनने वाली संतान लड़की, इससे बनने वाली संतान क्या होगी? लड़की। इसके यदि किसी अंडाणु से y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होगा, किससे होगा? y गुणसूत्र वाले से निषेचित होगा, युग्मनज में 23 जोड़ी क्या होगी? xy होगी, इससे बनने वाली संतान क्या होगा? लड़का। अच्छा, पुरुषोत्तर का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी, अनलाइन कर लो, ये गोला करना, पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन आता है, किसका गुणसूत्र मुख्य रूप से संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? मादा का, पुरुष का, ठीक है, मादा व पुरुष दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसका होगा? पुरुष का। सीधा सीधा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलें आगे, देखो अब बात करते हैं विभिन्नता की। गेट खोल ले, गुड़िया गेट खोल ले। देखो विभिन्नता, वेरिएशन, जीव के ऐसे गुण जो उससे अपने जन को अथवा विभिन्न अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण से मूल रूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। छोड़ो, कोई मतलब वाली बात नहीं, विभिन्नता के कारण जीन सभी जीवों के वंशानुगत गुणों का निर्धारक होता है, पता है आपको, कोई माता बच्चे करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। इधर तो विभिन्नता जीव के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है, पता है आपको, अतः जीन का द्विगुणन ही विभिन्नता का मुख्य कारण। अनलाइन करना, जीन का द्विगुणन विभिन्नता का मुख्य कारण, मतलब अलग अलग जो स्वभाव होते हैं ना वो, ठीक है ना, विभिन्नता का मुख्य कारण कौन है? जीन का द्विगुणन, मतलब मिलना, मेल खाना। जीन का द्विगुणन कोशिकाओं के विभाजन के लिए अनिवार्य, कोशिकाओं के विभाजन के लिए क्या है? अनिवार्य, ठीक है, तथा जनन के लिए कोशिकाओं का विभाजन आवश्यक है, तथा जनन के कारण ही विभिन्नता का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। विभिन्नता सामान्यतः लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में स्पष्ट देखी जाती है, अलैंगिक जनन जैसे कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखने वाली विभिन्नता सामान्यतः कम पाई जाती है। छोड़ो, कोई मतलब वाली बात है नहीं, ठीक ये करो। विभिन्नता प्रकार कौन कौन से होती है? जननिक और एक कायिक। कायिक मतलब काट के लगाना, जननिक कैसे होगी? जो जनन से होंगी, ठीक है। देखो, ऐसी विभिन्नता जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है, किसमें होती है? जनन कोशिकाओं में होती है। ऐसी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशागत होती है, इस कारण जननिक विभिन्नता को अनुवांशिक विभिन्नता के नाम से जानते हैं। अनुलय करना, जननिक विभिन्नता को अनुवांशिक विभिन्नता जाना जाता है। ऐसी विभिन्नता में कुछ जन्म से ही प्रकट हो जाती है, जैसे अन्य करो, गोला करना, जनिक विभिन्नता में आंखों एवं बालों का रंग है ना, जनिक विभिन्नता में जन्म से ही प्रकट, जनिक ऊपर वाले गोला करना, जनिक विभिन्नता को नीचे आना, में जो इसके ऊपर आंखों बालों के ऊपर है ना, उस मेह को पढ़ लेना और लास्ट में आना इसी के अगली में, जन्म से ही प्रकट आंखों व बालों का रंग, आंखों का रंग और बालों का रंग कैसी विभिन्नता है? जननिक विभिन्नता है, ठीक है, जो जन्म से ही प्रकट हो जाती है ना, जन्म के बाद प्रकट शारीरिक गठन और शरीर की
लंबाई, ये कब होती है शरीर बनने के बाद में। आज मैं पतला दुबला ऐसा हूं तो कैसा हूं, किसके ऊपर, क्या हूं, अपने फादर के ऊपर। मेरे फादर भी इसी एज में क्या थे, ऐसे ही सिचुएशन थी। और उम्र बढ़ेगी तो क्या होंगे, मेरे बाल कहां तक उड़ेंगे, यहां तक ही उड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं उड़ेंगे, उड़ेंगे लेकिन ये निश्चित है, ठीक है ना। बाद में पेट फूलेगा, पापा के समान होंगे, सेम पापा का ही डील आता है जो पहले का है, होता है ना सेम समान आता है, शंकर का आता है, सेम ही आता है, दादोशाह के ऊपर, दादोशाह के ऊपर आता लाल जगह है ना। देखो है नहीं, अब आ रहा है ना, तो अभी से दादोशाह के ऊपर जा रहा है, उनके फ्यूचर के ऊपर अभी से जा रहा है जो अभी उनका करें। देखो काई विभिन्नता, ऐसी विभिन्नता कई कारणों से प्रकट होती है, जैसे जलवायु, वातावरण का प्रभाव है ना, उपलब्ध भोजन के प्रकार, मतलब शरीर का मोटा पतला दुबला होना ये, ठीक है, अन्य उपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार, ऐसी विभिन्नता गुणसूत्र या जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होती है। तो बताओ अगर गुणसूत्र में परिवर्तन होता क्या क्या परिवर्तन होता है मुख्य रूप से, जी गुणों में परिवर्तन हुआ ना, तो क्या क्या परिवर्तन होगा, बालों का रंग बदलना, आंखों का कलर बदलना, लंबाई में वृद्धि और शरीर के गठन में परिवर्तन, समझ रहे हो, ध्यान रखना। मोटापा या पतला रहना इसमें नहीं है जी, वो तो खाने के ऊपर है कैसा खाते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। गुणों में परिवर्तन के कारण होती है, अतः ऐसी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती, ऐसी विभिन्नता उपार्जित होती है, उपार्जित मतलब एक्वायर्ड का मतलब होता है बाहर से ली गई, उपार्जित का मतलब एक्वायर्ड का मतलब होता है बाहर से ग्रहण की गई, ऐसी विभिन्नताएं होती है, इस कारण जीव विकास में इनका कोई महत्व नहीं होता, किनका, कायिक विभिन्नता, ठीक है ना, ध्यान रखना। जीन्स का कोई महत्व नहीं है किसमें, कायिक विभिन्नता में, मतलब मान लो अगर कोई लड़की गोरी हो रही है या लड़का गोरा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, माता पिता की वजह से कुछ रूप, लेकिन अधिक रूप किस, अधिक किसका प्रभाव पड़ेगा, क्यों कैसे, टेम्परेचर में आया बचपन से, समझ लो, ऐसे थोड़ी बच्चों ने पैदा हुआ बच्चा काला ही है ना, आप यहां नहीं जन के बच्चों कहां ले जाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, है ना, पर पूरा प्रोसेस वहीं हो, 9 महीने वहीं रहना चाहिए, है ना, कंप्लीट उसका वहीं होना चाहिए। होते ना जैसे साउथ अफ्रीकी जो होते हैं, वो साउथ अफ्रीका में जब जनते हैं तब तो बिल्कुल काले होते हैं, और जैसे थोड़ा सा कहां होते हैं, अमेरिका में आके बस गए और वहां रहने लगे तो उनका कलर भी चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन टाइम टेकिंग है, लेकिन आ रहा है, पूरा नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है। वैसे तो कहते बिल्कुल डार्क, जैसे नामीबिया, चामी, जिम्बाब्वे, आप यहाँ के देखो बिल्कुल डार्क ब्राजील वगैरह के, लेकिन वहां जब जाके बस गया तो क्या होगा, उनमें धीरे धीरे चेंज आ रहा है वो चीज, क्यों, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बन रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बदलाव भी आता है फिर, जैसे वो टेम्परेचर में जहां जहां रहते हैं उस अनुसार, ठीक है, चले आगे। आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता उत्परिवर्तन कारण नहीं करना, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता किसके कारण होती है, उत्परिवर्तन के कारण होती है। नई जाति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन की संरचना तथा स्थिति में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन का कारण है। पता है गुणसूत्र में बदलाव होगा तभी तो होगा कुछ, ठीक है, जितने गुणसूत्र उस हिसाब से। आनुवांशिक विभिन्नता का दूसरा कारण आनुवांशिक पुनर्योग है, क्या है, आनुवांशिक दोबारा मिलना, पुनर्योग होना के कारण संतानों के क्रोमोसोम में जीन के गुण अपने जनकों के जीन के गुणों से भिन्न हो सकते हैं, वो बताया था आपको पहले वाले से भिन्न है मटर वाले में, ठीक है, भिन्न हो सकते हैं। ऐसे नए गुण जीवों को अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन में सहायक हो सकते हैं, कभी कभी ऐसे गुण नए गुण जीवों को वातावरण में अनुकूलित होने में सहायक नहीं भी होते। ऐसी स्थिति में आपसी स्पर्धा, क्या, अन्याय करना, आपसी स्पर्धा, रोग कारणों से वैसी जीव विकास की दौड़ में विलुप्त हो जाते हैं, बचे हुए जीव ऐसे लाभदायक गुणों को अपने संतानों में संचारित करते हैं, इस प्रकार प्रकृति नए गुणों वाले जीवों का चयन कर लेती है और कुछ को निष्कासित कर देती है। कुछ दिनों बाद में अपन खत्म हो जाएंगे, कौन होगा, अपन भी, मानव भी विलुप्त प्राणी कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होगी, या तो देखो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होगी, अपन भी कब तक सहन कर पाएंगे, एक लिमिट होती है ना, कि या तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिमिट तब तक सहन कर सकता हूं, उसके बाद में मेरी उम्र आज घट रही है, 70 साल पहले अपने 110, 115, 120 साल तक जीते थे, आज पहले 150 साल, उससे पहले 200 साल, उससे पहले 5000 साल,
जैसे देखा जाए अपन जाते हैं महाभारत की तरफ तो वो भी तो मानते हैं, चलो ठीक है अपन मान रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं फॉरेन में जाएंगे ये बात कहेंगे राम जी से तो नहीं मानेंगे, है ना, महाभारत भीम था तो नहीं मानेंगे, ठीक है अपन ये मानेंगे 2000 साल जिया था, नहीं मानेंगे। लेकिन आप खुद देखो कि आज 120 साल जी रहा है, कितने साल जी रहा है, 120 साल जी रहा है, उससे पहले आपने देखे होंगे जी रहे 150 साल, 130 साल तक तो देखा हुआ आपका भी पढ़ा हुआ डाटा है 130 साल का, तो 130 साल से आप कहां पे आ गए, 70 पे आ चुके हैं ना, 70 75 70 75, उससे पहले 85 चल रहा था, उससे पहले 105 चल रहा था, 105 चल रहा था, तो क्या हो रही है उम्र कम हो रही है, तो अपना जीव किधर जा रहा है, विलुप्ति की तरफ जा रहा है, जाने का विलुप्त हो जाएंगे, मानव विलुप्ति की तरफ जा रहा है, मानव विलुप्त होगा, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से, या तो देखो दो कारण हो सकते हैं, मुख्य कारण तो कार्बन वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला मर रहा है इसकी वजह से, क्योंकि शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही, और एक कारण और हो सकता था, क्या हो सकता था, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण ही नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ही नहीं हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कम होगा तो पेड़ खत्म अपने आप ही होंगे। अब आज की स्थिति यह है कि पेड़ तो कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ना अपने लिए बढ़िया है, हार्मफुल नहीं अपने लिए बढ़िया है, लेकिन उस मात्रा में पौधे उगा दो जो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके, वो बेचारा एक पौधे के ऊपर सारी सारी उस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रत जम गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रत जम गई, क्यों, क्योंकि उस पर अधिकता होगी उस चीज की। आप सोचते हो कि पौधा पीला सा पिट रहा है, पीला कब पड़ेगा, जब ज्यादा खाएगा तभी तो ऐसा पड़ेगा, उसको ज्यादा खाने को मिल रहा है, उसको ज्यादा खाने को मिल रहा है, इसलिए क्या है पेड़ ज्यादा लगाओ, जिससे क्या होगा वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहे और आपको ऑक्सीजन बराबर देता रहे, ऑक्सीजन तो वो निकाल रहा है लेकिन उतनी निकाल रहा है जिसकी इतनी क्षमता है, अगर वहां दो क्षमता है, दो पेड़ चाहिए और वहां पे आपने एक लगा रखा है, आपका एक कटोरा है, आप उसमें दो कटोरे भरोगे तो चलेगा थोड़ी, ये हाल अभी पेड़ के हैं वास्तविक में, ठीक है वो उतनी ऑक्सीजन दे सकता है लेकिन वो दे तो उतनी रहा लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिल रही है, और अपन को क्या मिल रही है ऑक्सीजन, तो वही समान रूप से मिल रही है लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन की क्वालिटी में क्या रहा है डिग्रेड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमता कम होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, ठीक है चले आगे देखो। जे विकास, पृथ्वी पर विद्यमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थितियों वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है, सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं, कोई मतलब वाली बात है नहीं, आया नहीं है। विकास या इवोल्यूशन शब्द का शाब्दिक अर्थ लिपटी हुई वस्तु को खोलकर उसमें समय समय पर हुए परिवर्तन को दर्शाना है, कोई मतलब नहीं है छोड़ो। जीव विज्ञान की वैसा का जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति अनलाइन करना, जीवों की उत्पत्ति जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति पूर्वजों का इतिहास समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है जीव विकास या उद्विकास या इवोल्यूशन कहलाता है, ये आता है बस, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आता। जीव विकास से संबंधित सिद्धांत, जीव विकास की व्याख्या के लिए कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं परंतु उनमें से अधिकांश को उचित प्रमाण के अभाव में वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिलती। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जेबी लेमा को गोला करो के उपार्जित लक्षणों या फिर लामार्कवाद तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास या डार्विनवाद को ही सर्वप्रथम जैव विकास के संबंध में वैज्ञानिक मान्यता मिली। जैव विकास से संबंधित खोज किसने करी थी, लेमार्क। डार्विन का सिद्धांत या लेमार्क का सिद्धांत दोनों किससे संबंधित है, जैव विकास से। जैव विकास आएगा तो आपको दो ही ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, कौन से लेमार का और डार्विन का, ध्यान रखना। और डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है, और लेमार का जेबी लेमार, ध्यान रखना। फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक क्या था, जेबी लेमार्क। लामार्कवाद सर्वप्रथम 1809 में, गोला कर 1809। जैव विकास अपने विचारों को अपनी पुस्तक लिखना, अंडरलाइन फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसकी है, लेमार्क की, ठीक है, ध्यान रखना। इसे लामार्कवाद या उपाधि लक्षणों का वंशागति कहते हैं। लामार्क के अनुसार जीवों की संरचना कायिक उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, वातावरण के परिवर्तन का पड़ता ही ना, ठीक है, ध्यान रखना। परिवर्तित वातावरण का जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा अथवा कम हो सकता है,
आज हाल क्या है, पाँव भी देते हैं और हाथ दूर, तो ये क्या वातावरण परिवर्तन आ रहा है ना, तो देखना धीरे धीरे क्या होगा, हाथ ये ज्यादा स्प्रेड, ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वाला हाथ, ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर ये चलते रहा ना, ये जो है आप 50 साल या लगातार 100 साल तक ये क्रिया चल जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, हाथ लंबा हो जाएगा। आपने अगर देखा हो तो अपन पेन को मोस्टली कहां से पकड़ते हैं, या तो यहां से पकड़ते हैं, यहां से पकड़ते हैं ना, ठीक है। तो अब राइट हैंड ज्यादा लिखने बन रहे हैं या लेफ्ट हैंड पे ज्यादा बनते हैं, क्यों, इसी से लिखते हैं ना, इसलिए राइट हैंड ज्यादा बन रहे हैं, लेफ्ट हैंडर कम बन रहे, गुण आ जाते हैं, समझ लो, और वातावरण के ऊपर भी डिपेंड होता है ना, वातावरण क्या कहता है, पानी पियो, पानी पियो, तभी तो पानी पीने अपने जरूरत है अपने शरीर को, है ना, और वातावरण कैसे, क्या यहां हर जगह का व्यक्ति पूरा पानी पीता है क्या, फुल पानी दाब के फुल पानी पीता है हर जगह, नहीं ना, अलग अलग परिवर्तन आते हैं ना, कहां कहां पानी, अपन अगर जैसलमेर जाएंगे तो अपन ज्यादा पानी पियेंगे कम पानी पियेंगे, ज्यादा पियेंगे, और जैसलमेर वाला यहां आएगा तो कम, ये किसका बदलाव है, वातावरण का, और ये किसमें आएगा, वही जैव विकास के अंदर आएगा, आ रही बात सुन में, वातावरण का जो बदलाव है नहीं है, ठीक है ना, यहाँ की बकरी ज्यादा पानी पिएगी या जैसलमेर की बकरी ज्यादा पानी पिएगी, यहाँ की बकरी ज्यादा पानी पिएगी, वहां की बकरी कम पानी पिएगी, बताया था ना आपको कि अपनी जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है, तापमान नियंत्रण कर लेती है, और क्या करती है, बाहर नहीं निकल देती, किसको, स्वेट वगैरह नहीं होता, पसीने वगैरह नहीं आते, है ना, जिससे अपने जल का संतुलन बनाए रखती है, इसलिए वहां की बकरी कम पानी पीती है, यहाँ की ज्यादा पीती है गर्मियों में, और वहां की जितनी गर्मियों में यहाँ पानी पीनी उतनी वो नहीं पीती, ठीक है, इसलिए तो ऊंट एक बार में खेच के पी के साथ, यही कारण नहीं है कि वो इकट्ठा कर लेता है, क्या कारण है, वो उसको संचित कर लेता है, किसके माध्यम में बताओ, जल का संचय कहां पे करता है, आरबीसी के साथ अटैच होता है, होता है आरबीसी के साथ अटैच, लसिका ग्रंथियों के साथ में, सारी लसिका ग्रंथियां है, फैटी एसिड जो है पीछे की तरफ उसके पीठ के ऊपर जो होती है, अपन भी कहां करते हैं, अपन कहां करते हैं, अरे ऊपर होते हैं गलगंड, इनमें तो होता है वो पानी इकट्ठा, अपना जो टाइम आने पे क्या छूटता रहता है, लाल स्त्रावी तो होती रहती है, इसी का तो है, अगर पानी नहीं मिला तो ज्यादा लाल आती है ना, जो पानी की पूर्ति करे ओटो को सूखने नहीं दे, ये कहां से स्त्रावी, तो यहां से लाल ग्रंथियों से उतरे, और वो पानी अपना जल यहां आके क्या होता है, इकट्ठा होकर इकट्ठा होता है लाल ग्रंथियों के अंदर, बताया जाता पूरा 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 जाते हो, पढ़ाया हुआ अलग होता है, समझाया हुआ अलग होता है, वो पढ़ाया हुआ बुक के अंदर जो समझाते हैं वो बुक के अंदर पूरी पूरी थोड़ी होती है, देखा करो एक बार रोज याद करा, वो जो मैंने बोला था मुझे, देखो भाई इसे लामावाद उपाजित लक्षणों का वंशा की कहते हैं, लामा के अनुसार जीवों की संरचना कायिक उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, पता दिया आपको, परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा व कम हो सकता है, जैसे खत्म अंग खत्म भी होता है और अंग नया निकल भी आता है, अपन को पूंछ की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, अपन लटकते नहीं थे, इसलिए अपनी पूंछ क्या हो गई, लुप्त हो गई ना, ठीक है ना, ध्यान रखना, ले और अपन पैर हाथों के ऊपर नहीं चलने लगे तो क्या हो गए, सीधे धीरे सीधे होते 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 सीधे होते होते खड़े हो गए, ठीक है, और बाकी जिनको अभी भी पैरों की जरूरत पड़ी है उनको सही है, ठीक है, देखो परिवर्तन के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा अथवा कम होना, जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित होते हैं, जिनका उपयोग नहीं होता वह धीरे धीरे ह्रास हो जाते हैं, वातावरण के सीधे प्रभाव से अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होने क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड लक्षण, क्योंकि वातावरण से तो ले रहा है वो लक्षण, ठीक है, ध्यान रखना, फिंगर्स निकली तो इसी वजह से निकली है फिंगर्स, पहले थोड़ी, ठीक है, अलग अलग डिपेंड करता है, अपने पहले खुर थे, खुर से क्या बन गए, फिंगर्स बन गए, कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे, देखो, और इसका कम यूज हुआ, देखो हाथ का तलवा छोटा और पैर का बड़ा, समझ रहे हो, जैसे काम वैसे चेंज हो गया वो, ठीक है, देखो अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा चले जाते हैं, ऐसा लगातार होने से पीढ़ियों के पश्चात उनकी शारीरिक संरचना बदल जाती है, एक नए प्रजाति का विकास हो जाता है, लामावाद का बाद में कई वैज्ञानिकों ने जोरदार खंडन भी करा, उन वैज्ञानिकों के अनुसार उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते, अंडरलाइन करो, उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते, इसकी पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक वाइसमैन ने 21 पीढ़ियों
तक चूहे की पूंछ काटा यह प्रदर्शित किया कि कटे पूंछ वाले चूहे के संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ वर्तमान रह जाता है। अरे मूर्ख आदमी था ये जो काटता गया, क्या था मूर्ख आदमी था काटता गया, उसको उसकी यूज की जरूरत थी, वो वापस वो निकाल के वो उसका यूज करना चाहता था लेकिन वो यूज आ नहीं पा रहा था। अरे बात सुन में ठीक है ध्यान रखना। देखो लोहार के हाथों की मांसपेशियां हथौड़ा चलाने के कारण मजबूत हो जाती है परंतु उसके संतानों में ऐसी मजबूत मांसपेशियों का गुण वंशागत नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वातावरण के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वातावरण, बाहर आएगा तभी तो होगा इसलिए। ठीक है, वैसे जीव जिनमें लैंगिक जनन होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण उनके जनन या जनन ग्रंथियों के गोनड में होता है। शरीर की अन्य कोशिकाएं कार्य कोशिकाएं कहलाती है। वातावरण के प्रभाव के कारण कार्य कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में संचरित नहीं होते। अंडरलाइन करना, वातावरण के प्रभाव के कारण कार्य कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में संचरित नहीं होते। इसका कारण यह है कि कार्य कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन उनके साथ साथ जनन कोशिकाओं में नहीं होते। कैसे कहा होते? वातावरण के वजह से। मतलब कलर वाला कहां जाएगा? वहां जाएगा तो होगा, यहां जाएगा तो नहीं होगा, वहां रहना पड़ेगा। अगर आप काले हो, आपकी वाइफ भी काली होगी, तो कहां भाग जाओ? स्विट्जरलैंड भाग जाओ, वहां से गोरे संतान करके फिर आ जाना बाद में। लेकिन वो दोबारा काली हो जाएगी, क्यों? यहां आने के बाद वातावरण की वजह से। ठीक है, आप यहां छोड़ो, आप यहां पे हो, जम्मू कश्मीर के लोग कितने गोरे होते हैं, हिमाचल के कितने गोरे होते हैं, असम के कितने गोरे होते हैं, ईस्ट के एरिया के सारे देखोगे, है ना। अब यहां से उठ के वो यहां आ जाए तो फर्क पड़ जाता है, और अगर साउथ में चले गए तो समझ रहे हो। ये किसके ऊपर होता है? टेम्परेचर के ऊपर होता है, उसकी ह्यूमिडिटी के ऊपर होता है, टेम्परेचर के ऊपर होता है, इन सबके ऊपर डिपेंड होता है कलर चेंज, कलर का परिवर्तन, और धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो होता है। आप 15 साल वहां लिया हो और 15 साल लेने के बाद आपकी संतान भी हुई हो, आपकी शादी भी हुई हो, बाद में आपके परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आपका होगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो एयरफोर्स आर्मी में जो होते हैं साउथ वाले, वो जब इधर आते हैं तो यहां से 3-4 साल ड्यूटी करते हैं, वो थोड़े से ना कलर में निखार आता है, और जो साउथ में जाते हैं ना, वो बोलते हैं अरे मेरा भाई नहीं है ये तो। ठीक है, तो कलर में परिवर्तन आ गया है, होता है चेंज। ठीक है, आप देखोगे अगर एयरफोर्स में आप देखोगे एयरफोर्स वाले, तो आपको उनका कलर अच्छा लगेगा, और वैसे आप साउथ में जाके देखोगे तो ज्यादा काले देखेंगे आपको। ठीक है, और सेम आप उनको देखोगे असम वालों को, तो वहां आपको अलग दिखेंगे, साउथ में जाओगे तो वो अलग दिखेंगे। ठीक है, परिवर्तन आता है। देखो भाई, डार्विन वाद का सिद्धांत यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये दूसरा सिद्धांत है, दूसरा है। ठीक है ना, जैव विकास प्रक्रियाओं के संबंध में दूसरा सिद्धांत डार्विन के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के दो अंग्रेज कौन से थे? अल्फ्रेड रसल वेल्स और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने मिलकर प्रतिपादित किया, अल्फ्रेड रसल वेसल। ठीक है, वेल्स और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन दोनों वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर समान निष्कर्षों को निकाला, और निष्कर्ष क्या क्या थे? चार्ल्स डार्विन नामक प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को गोला करो, डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में व्यक्त किया। क्या व्यक्त किया? जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। उनका यह सिद्धांत उनके प्रसिद्ध समुद्री यात्रा के दौरान नए रोचक अवलोकनों का अध्ययन है, जो समुद्री यात्रा में हुआ था। ठीक है, उन्होंने यह समुद्री यात्रा 1831-1836 दक्षिण अमेरिका जाने वाले एक ब्रिटिश जहाज HMS बीगल, अंडरलाइन करना HMS बीगल, जहाज का नाम पूछा जाता है, बीगल जहाज, कौन से जहाज पे यात्रा करी थी? बीगल जहाज। ठीक है, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, डार्विन के मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन की दर की तुलना में इस प्रतिभा जीवों के लिए भोजन और आवास नियत है, अतः जीवों में अपने अस्तित्व के लिए आपस में संघर्ष होने लगता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष दूसरे प्रजाति के साथ प्रकृति या वातावरण के साथ भी होता है। प्रकृति में कोई दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं अवश्य होती है। जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवों के ये संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो सबसे अधिक योग्य गुणों वाले होते हैं। अयोग्य गुण वाले जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिनमें अयोग्य गुण है। दूसरे शब्दों में प्रकृति योग्यतम और अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है, तथा अयोग्य और प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को क्या करती है? नष्ट करती है। समझ रहे हो? डायनासोर को नष्ट कर दिया, डायनासोर क्यों नष्ट हुए? उनके अकॉर्डिंग वो एटमॉस्फेयर नहीं था, और
ये तो सीधी भाषा में हो गया। इसके अलावा वो अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल नहीं, वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाए। लेकिन आप एक चीज बोले, मैंने आपको बताया था डायनोसर का शरीर का तापमान कैसा था? ज्यादा नियत कैसे था? नियत था, और अंदर से क्या था? वो ज्यादा था, समझ रहे हो? आज बकरी का तापमान कैसा है? बकरे का अपने से ज्यादा नियत तापमान और ज्यादा है। क्या है? नियत तापमान है, इसलिए बकरी को क्या बोरी उड़ा के रखते हैं। बोरी आपने देखा बकरी को बोरी उड़ा के रखते हैं, क्यों उड़ाते हैं? उसके शरीर में बाहर से तापमान अंदर आए नहीं। और अपन कैसे तापी है? विषम तापी या समतापी? विषम है ना, मतलब अपन क्या करते हैं तापमान का आदान प्रदान कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं हो पाता उसको। इसीलिए डायनासोर भी क्यों खत्म हुए? तापमान बढ़ गया तो उनके शरीर में, तापमान कम हुआ तो वो सह नहीं पाए। और जब वो थे ना तब क्या था? वोल्केनो वगैरह सब थे। आज वोल्केनो आप देखोगे सारे वोल्केनो क्या है? सुप्त हो चुके हैं, अधिकतर सुप्त हो चुके हैं ना। उस टाइम पे क्या था? वोल्केनो थे। शरीर यहाँ का पृथ्वी का तापमान क्या था पहले? उच्च था, समझ रहे हो? फिर क्या हो, एकदम से बिल्कुल डाउन हो गया, सब जगह क्या हो गया? हिम हिम हो गई। और फिर हिम से क्या बने? प्लेटें टकराई, फिर क्या बना? फिर समुद्र निकला, समुद्र बना, उससे तो बनाया हिम से ही, ठीक है? क्योंकि वो बर्फ से जम चुकी थी पहले, बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल कोल्ड हो गया, और क्या हो गया? बिल्कुल फ्रीज हो गया, तो वो अपना भी खत्म होने थी, ज्यादा ठंडे टाइम पास है, वो सब खत्म हो गया। फिर क्या बने? जो जीव बच सके, जो उसमें रह जाते थे, इसलिए आज भी ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, इसलिए आज भी बांदरे पाए जाते हैं। और हर एक के ऊपर क्या है, कैसा है? सबके ऊपर बाल पाए जाते हैं, सब जीवों पे बाल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं बाल? क्यों पाए जाते हैं? बायोलॉजी क्या है? पढ़ने वाले पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके डीप में नहीं जाते। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ वही चीज है, हिंदी पढ़ाऊंगा तो वही चीज है। क्यों? क्योंकि अपन उसमें डीप में जाते नहीं, समझते तो है नहीं कि कारण क्या है उसका। कारण ये बाल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पहले क्या था? टेम्परेचर डाउन था, अब डाउन से वापिस बढ़ना चालू हुआ है, समझ रहे हो? डाउन से वापिस बढ़ना चालू, और फिर क्या होगा? फिर डाउन होगा। आ रही बात में? चले आगे देखो। के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यता में जो सबसे अधिक योग्य गुण वाले होते हैं, अयोग्य गुण वाले जीव नष्ट हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में प्रकृति योग्यता में अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती है, अयोग्य में प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को क्या करती है? नष्ट कर देती है। नष्ट कर दिया उसने। जीवन चक्र में सफल सदस्य अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अपनी वंशानुक्रम को जारी रखते हैं, रखने में योगदान भी देते हैं। इसी को एक अंग्रेज दार्शनिक क्या कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विज्ञान के संबंध में योग्यतम की अजीवता, योग्यतम की अजीवता तथा इसी को जैव विकास में डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है। जीवन चक्र में सफल सदस्यों की वंशागति बढ़ने से प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने पूर्वज से भिन्न होते हैं, डेफिनेटली भिन्न होंगे, अलग अलग वो सांस ले रहे हैं, अलग अलग चीजें ले रहे हैं, इस वजह से यही विभिन्नता हजारों लाखों वर्षों के बाद नई जाति का निर्माण करती है। आज अपन है, कल को अपने से दूसरी जाति भी बनेगी, ठीक है, हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति भी इसी प्रकार चुनाव के सफल सदस्यों को प्रोत्साहित कर नई जाति की उत्पत्ति करता है, इसलिए डार्विनवाद प्राकृतिक चयनवाद कहलाता है। सन 1898 में डार्विन और वेल्स ने अपने कार्य को संयुक्त रूप से कैसे प्राकृतिक चयनवाद के नाम से प्रकाशित किया। डार्विनवाद की आलोचना, डार्विनवाद ने विकासवाद को अनुवांशिकता के आधार पर नहीं समझाया था, कोई मतलब वाली बात है नहीं। डार्विन के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति के लिए विभिन्नताएं उत्तरदायी थी, पता है आपको, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार छोटी छोटी विभिन्नताओं से नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वैज्ञानिकों ने डार्विन के लिंग चयनवाद को भी गलत ठहराया। वंशागत लक्षणों वाले जीव जब एक दूसरे जीवों के साथ मैथुन करते हैं जिनमें से एक लक्ष्य ये लक्षण नहीं होते, तो ये इन दोनों के मिलन से लक्षणों का प्रभाव कम नहीं होता है। डार्विन इसकी व्याख्या नहीं कर सके। टिक करो थर्ड वाला से, थर्ड वाला नहीं सॉरी सेकेंड फोर्थ वाला, ठीक है। प्रकृति वर्णवाद ने किसी अंग के विशिष्टीकरण को नहीं बताया जिसके कारण कुछ जातियां नष्ट हो गई। अब आया नव डार्विनवाद को क्या कहा जाता है? आधुनिक संश्लेषणात्मक परिणाम परिकल्पना भी कहते हैं। नव डार्विनवाद निम्नलिखित प्रकरणों को पारस्परिक क्रियाओं का प्रमाण है, क्या क्या है? टिक करना, जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन द्वारा विभिन्नता, अनुवांशिक पुनर्योजन और पृथक्करण,
ठीक है, ये पूरा पूरा मिलके क्या कहलाएगा, नव डार्विन वाद। तो देखो जीन परिवर्तन, जीन के डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आने वाले उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन। तो मतलब अगर डीएनए को अंडरलाइन करो, जीन के डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या तथा विन्यास के क्रम में परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है किसका परिवर्तन होता है जीन उत्परिवर्तन में, तो किसका होगा, डीएनए अणु का, और उसके संख्या में किसकी संख्या, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या। जीन में किसकी संख्या का उत्परिवर्तन होगा, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या। आरी भाषण में किसी जीन या क्रोमोसोम में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसी क्या कहा जाता है, जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। साफ साफ पूछते हैं जीन उत्परिवर्तन की क्रियाविधि में क्या परिवर्तन होता है, जीन उत्परिवर्तन की क्रियाविधि में क्या उत्परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन होगा, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या में, ठीक है ना। सिर्फ इतना सा है और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं आया इसके अलावा, ठीक है। सीधा सीधा गुणसूत्रों की संख्या एवं परिवर्तन द्वारा विभिन्नता, गुणसूत्रों पर अलग जीनों की संख्या और विन्यास के परिवर्तन के द्वारा गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आता है, गुणसूत्र विभिन्न कहते हैं, पता है आपको, कोई माता बच्ची की जरूरत है नहीं। अनुवांशिक पुनर्योजन, मेल खाना, मिल जाना, लैंगिक जनन की क्रिया, लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अल्पसूत्र विभाजन होता है, अलग होते समय गुणसूत्रों में पारस्परिक जीन विनिमय होते के फलस्वरूप नए जीन विन्यास बनते हैं जिनसे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, संकरण द्वारा भी जीनों का पुनर्योजन होता है, मतलब संकरण कराते हैं तभी जो जीन मिलते हैं ना, वही पुनर्योजन कहलाता है। माता पिता की जरूरत है नहीं, फालतू मत पढ़ना। पृथक्करण, एक ही जाति की विभिन्न समस्या, मतलब अलग अलग जातियां, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जीव अलग अलग जगह जो रह रहे हैं, भौगोलिक कारणों से पृथक हो जाती है, तो उनकी जीनी संरचना में पर्यावरण के अनुरूप और जीन उत्परिवर्तन गुणसूत्र विभिन्न और भौगोलिक द्वारा नई विभिन्नता संकलित होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है, जिसे उत्परिवर्तनवाद, ठीक है, पृथक्करण कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद बात करेंगे, हॉलैंड के पादप शास्त्री हुगो डी ब्रीज, गोला करना, उत्परिवर्तनवाद, हुगो डी ब्रीज उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, हुगो डी ब्रीज, एक सिंगल क्वेश्चन बस, और बहुत बार आया हुआ है, समझ रहे हो, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, हुगो डी ब्रीज ने। इसके अलावा फालतू माता बच्ची मत करना, ठीक है, जितनी माता बच्ची करनी होती है बस वही गोला करा रहा हूँ, वही अंडरलाइन करा रहा हूँ, बाकी समझने का जहां जहां से वो समझना है और कुछ नहीं। इसके अलावा पेपर में साफ सीधा से क्वेश्चन आएगा, किसने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, प्रतिपादित भी आएगा, जानना वर्ड भी प्रतिपादित दिया हुआ होगा, किसने दिया है, हुगो डी ब्रीज ने, और आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, एसएससी में आया हुआ है डेफिनेटली, और सीडीएस में भी आया हुआ है, ठीक है। 1901 में नई जीव जातियों की उत्पत्ति के संबंध में एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नव डार्विनवाद के नाम से भी, अनलाइन करना, नव डार्विनवाद, क्या कहा जाता है इसे, नव डार्विनवाद के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नई जीव जातियों की उत्पत्ति जाति लक्षणों में क्रमिक विकास या अस्थिर विभिन्नता के कारण नहीं होती बल्कि एक ही बार में स्पष्ट या स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। अचानक से अगली जाति में बदल गया वो चीज हो जाएगी, ठीक है, एक ही बार में स्पष्ट स्थायी आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। जाति का वैश्य जिसमें पहली बार उत्परिवर्तित लक्षण दृष्टिगत होता है उसे उत्परिवर्तन, अन्याय करना, जाति का वह सदस्य जिसमें पहली बार उत्परिवर्तित लक्षण दृष्टिगोचर मतलब दिखता है ना, उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तक कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं, अपने बनाते हैं ना म्यूटेंट्स, है ना, वो ये ऐसे बनाते हैं, दो जीव बनाते हैं, मतलब एक अच्छी सी बेड बनाई है, वो बेड क्या है, म्यूटेंट है, एक बनाई क्या है, बेड डोली, डोली क्या थी, एक म्यूटेंट थी, आ रही बात समझ, क्योंकि उसमें जो जीव थे वो परमानेंट वैसे ही डाल दिए गए, वैसे जीव बना के उसको शुद्ध रूप से बनाने की कोशिश करेगी, जिसे शुद्ध शुद्ध का ही संकर हो, जो बेकार है वो हटा दो, समझ लो। उत्परिवर्तन में अनिश्चितता होने के कारण ये उत्परिवर्तन के लिए लाभदायक, निरर्थक और हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन उत्परिवर्तन में क्या अनिश्चितता, इसी कारण उत्परिवर्तन के लिए लाभदायक, निरर्थक और हानिकारक भी हो जाते हैं कभी, ठीक है, निश्चितता नहीं है कि वैसा ही होगा वो, है ना, कोशिश कर रहे हैं, जैसे मानव का क्या, म्यूटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा मानव अच्छा हो सके, अच्छे तरीका है, अच्छी प्रकृति का, जो इस वातावरण के अनुसार ढल सके, उसकी उम्र क्या हो, ज्यादा हो सके, ये कोशिश करी जा रही, लेकिन वो सफल नहीं हो रही।
ठीक है। जाति के लिए विभिन्न सदस्यों में विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरण संबंध, फलस्वरूप एक पूर्वज जाति से एक नई जाति सात नई जातियों की उत्पत्ति हो सकती है। पुनरावर्तन पुनरावर्तन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल, हेकल आता है अर्नेस्ट नहीं आता, सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ हेकल आएगा, क्या आएगा, रिकैपिटुलेशन थ्योरी ने उच्च प्राणियों के भ्रूणी परिवर्तन एवं उनके पूर्वजों के विकासीय इतिहास में समानता के आधार पर पुनरावर्तन और जाति अपवर्तन, अंडरलाइन करना, जाति अपवर्तन सिद्धांत किसने दिया, जाति अपवर्तन का सिद्धांत अर्नेस्ट हेकल ने, या पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, अर्नेस्ट हेकल ने सिद्धांत क्या दिया है, किसका, पुनरावर्तन का या फिर जाति अपवर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्तन में अपनी जाति के जातीय विकास के इतिहास की पुनरावृत्ति करता है, मतलब जातीय विकास करेगा, बढ़ेगी जाति। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह कि किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्था के समान होती है, सेम, कोई डिफरेंस होता नहीं है। इसी प्रकार विभिन्न कशेरुकियों के भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है, उच्च कशेरुकियों के भ्रूण निम्न वर्गों के वयस्क जंतुओं के समान ही होता है, मतलब भ्रूण सबका क्या होगा, समान ही होगा, लेकिन बिल्ड फिर अलग अलग होगा। देखो एक तो भ्रूण होता है और एक पूरा युग्मक होता है, वो अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। भ्रूण वैसे होगा पूरा एम्ब्रियो जब बिल्ड हो जाएगा तो वो फिर डिफरेंस आएगा, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है ना शुक्राणु के मिलने की, जायगोट बनने की, सब क्या है, फिक्स है, वो वैसे ही होंगे, है ना, समान होंगे, लेकिन बाद में क्या होंगे, उनमें परिवर्तन बाद में आएगा, क्योंकि वो बाद में दिखते हैं परिवर्तन, विकास तो बाद में होगा ना, है ना, विकास में ज्यादा दिखता है परिवर्तन। जीवों की तुलनात्मक रचना, अनलाइन करना, जीवों की तुलनात्मक रचना, समजात्य, समरूपता, अवशेषी अंग और संयोजक कुड़की। अब सुनो, आपका आता है अवशेषी अंग, क्वेश्चन में कौन सा आएंगे, अवशेषी अंग, कि निम्न में से अवशेषी अंग कौन सा है, समझ रहे हो, निम्न में से अवशेषी अंग क्वेश्चन, ये इन चारों के अंदर से एक क्वेश्चन बनेगा, वो क्या बनेगा, अवशेषी अंग, मुख्य रूप से अवशेषी अंग का क्वेश्चन बनेगा, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा ज्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है, लेकिन अवशेषी अंग पे खास तौर पे ध्यान देना है, स्पेशल, ठीक है, क्योंकि अवशेषी अंग से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, सीधे सीधे। देखो समजातता, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उसकी मूल संरचना और भ्रूणीय विकास में समानता होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं इन अंगों को, इसी को अंगों की समजातता कहते हैं, समजात अंगों की रक्त और तंत्रीय संरचना में भी समजातता होती है, यह समझाता अपसारी जीव विकास अर्थात पूर्वजों से विभिन्न दशाओं में कुछ जीव विकासों के प्रमाणित करती है, छोड़ो पर मतलब बड़ी बात है नहीं। समरूपता, एक समान दिखना, ऐसे अंग जो समान कार्य, वहां कार्य अलग थे, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ऐसे अंग जो समान कार्य में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना और भ्रूणीय प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है, समरूप अंग कहलाते हैं, यह समरूपता अभिसारी जीव विकास अर्थात भिन्न भिन्न पूर्वजों से एक ही दिशा में हुए जीव विकास को प्रमाणित करती है, ठीक है, समरूपता वो हाथ वाली है ना, समरूपता है ना, ये समरूप है लेकिन काम अलग अलग, ठीक है, देखो हैं समझाता में है ना, तो समरूपता में अपने कान आ जाएंगे ना, कान तो अवशेष अंग, कान अवशेष अंग कहां से अगला ला, मानव में कान नहीं होंगे, मानव में थोड़ी होंगे कान, मैं मानव की बात कर रहा हूं, मैं तो मानव को लेके बता रहा हूं, मैं मानव को लेके बता रहा हूं, मानव में तो कौन से अंग हो गए, कौन से होंगे, मानव में तो समरूपता हो गया ना, ये रूप समान रहा है इनका, परिधि थोड़ी ऐसी बाल ही तोड़े हैं, ऐसे कैसे तोड़े हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये समरूप में आएंगे अपने, ठीक है। अवशेषी अंग विकसित जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ स्पष्ट किंतु अर्ध विकसित एवं निष्क्रिय अनुपयोगी अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग, जैसे शत्रुमुख के पंख, शत्रुमुख क्या होता है, उड़ नहीं पाता, उड़ता है क्या, नहीं उड़ पाता है, उसके पंख तो है लेकिन वो अब यूजलेस, क्यों, उसके अंदर की क्रियाविधि खत्म हो चुकी, अंदर जो जोड़े जिस साल जुड़ते ना वो पंख, वो खत्म हो चुके, इसलिए वो सिर्फ क्या कर सकता है, थोड़ा सा ही उड़ सकता है, मामूली, ऐसा नहीं उड़ता है, लेकिन स्पीड क्यों तेज होती है, शत्रुमुख, शत्रुमुख सबसे तेज पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला क्या पक्षी कौन सा है, शत्रुमुख, यही है ना, बहुत शानदार, लोग भाई से बैठ के भी जाते हैं, पता है आपको, शुतुरमुख सवारी के तौर पे भी काम में आता है, जैसे अपने यहां ऊंट लेते ना वैसे, है ना, ध्यान रखना, ऐसा मूवी का पद्मावत में, है पद्मावत में आता है रणवीर सिंह,
याद आता है एक सेकंड में, हॉलीवुड याद नहीं आती तेरे को? हॉलीवुड देखा है, हॉलीवुड भी ऐसे, हॉलीवुड भी ऐसे देखा है। एक मूवी है ऐसी, देखो ऑस्ट्रेलिया का इमू, ये भी बिना उड़ने वाला पक्षी, देखो इमू बिना उड़ने वाला पक्षी, एमू बिना उड़ने वाला पक्षी, ऑस्ट्रेलिया सुप्रमुख बिना उड़ने वाला पक्षी, केसोवरी के पंख, न्यूजीलैंड का कीवी के पंख, डोडो विलुप्त हो चुका है वर्तमान में विलुप्त, ठीक है। इनके पूर्वज में पंख पूर्ण विकसित थे, लेकिन वातावरणीय प्रभाव के कारण इनकी उपयोगिता समाप्त होने के कारण उद्विकास के क्रम में क्रमिक लोप की दशा में अवशेष अंगों के रूप में है। मनुष्य में क्या अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का काम नहीं है ना, है ना, इसलिए जब अपेंडिक्स खराब होता है क्या करते हैं उस अपेंडिक्स को हटाई देते हैं, बाहर निकाल देते हैं इसको, काम करते हैं नहीं अंदर, पहले क्या करता था ये फिल्टर सेल्यूलोज का पाचन, है ना, लेकिन अब है ही नहीं, अपने है ही नहीं, सेल्यूलोज बढ़ता ही नहीं शरीर में, तो क्या करते हैं उसको बाहर छोड़ो अपेंडिक्स को, बाहर निकाल के फेंक देते हैं, दिक्कत करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे दर्द होता है, अंदर पड़ा पड़ा दर्द होता है, उसके भी स्टोन हो जाता है, तो क्या करता है वो दर्द करता है फिर, ठीक है ना, इसलिए क्या करते हैं उसको निकाले काट के बाहर फेंकते हैं। देखो संयोजक कुड़ी, वे जीव जातियां जो अपने से कम विकसित जातियों, अपने से कम विकसित जातियों और अपने से अधिक विकसित उच्च कोटि की जातियों को सीमा रेखा अर्थात दोनों ही निम्न एवं उच्च जातियों के लक्षणों का सम्मिश्रण होते संयोजक जातियां कहलाती हैं। इनके द्वारा जीव विकास का ठोस प्रमाण मिलता है। उदाहरण देखना सारे के सारे, युगलिना क्या है, युगलिना संघ प्रोटोजोआ, अंडरलाइन करो, युगलिना कौन से संघ में आता है, प्रोटोजोआ में, क्लोरोफिल युक्त पादप है, बताया था आपको, है ना, क्लोरोफिल है ना, खाना बनाते हैं ये, ठीक है, और जंतुओं के संयोजक के रूप में होते हैं, जंतुओं के साथ जीते हैं। प्रोटीरोस्पंजिया संघ प्रोटोजोआ, एक कोश के सदस्य, इनके पूर्वज स्पंज की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। न्यूप्लियाना संघ मोलस्का में एनिडा के सदस्यों से विकसित अकशेरुकी जंतु मोलस्का और एनिडा के संयोजक के रूप में। पेरिप्टस संघ ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा अपना वाला है क्या है, ये कीट वाला है, कीट वाला है, ऑर्थोपोडा किसका है, कीटों का समूह, ठीक है ना, ये एनिलिडा एवं ऑर्थोपोडा के बीच का संयोजक तथा एनिलिडा से ऑर्थोपोडा के उद्विकास को प्रमाणित करता है, ठीक है। ऑर्कियोप्टेरिस वर्तमान में विलुप्त, ये सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक, ये अंडरलाइन करना, स्थापना कर लेना ऑर्कियोप्टेरिस। पक्षी वर्ग का जंतु था क्योंकि इसके पंख अधिक विकसित थे, ठीक है। प्रोटीरिया प्रोटोथीरिया स्थापना, निम्न कोटि के स्तनधारियों का उपवर्ग, वर्तमान में तीन श्रेणियां कौन सी, एकिडना जेग्लोसस और ऑर्निथोथोरिंक्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी में पाए जाने वाले सरीसृपों और स्तनधारियों के संयोजक जंतु, छठा पांचवा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके बीच की कड़ी कौन सी है, ठीक है, क्वेश्चन ही आएगा सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच में कौन सी कड़ी आती है, कौन सी आती है, प्रोटो और एकिडना जेग्लोगस और ऑर्निथोरिंकस क्या है, तीनों किसके हैं, सरीसृपों से किसका निर्माण, स्तनधारियों के निर्माण के बीच की कड़ी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे, जैविकता से संबंधित नियम, कौन कौन से नियम है, ये लंबा खींचा ज्यादा हो गया क्या यार, हैं एक दो तीन चार वाला तीन पेज क्यों कर देना, मारेगा कल, कल रोग कराऊंगा मैं सिर्फ, और रोग रोग में ज्यादा याद करने का है, चलो जीविका से संबंधित नियम कल देखते हैं, देखते पूरे, है ना, जीन क्या होता है, खोज किसने करी, ये याद करने वाली चीजें, एक बार पढ़ के आना, ये सिर्फ याद करने वाला है और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, कारक किसे कहा जाता है, ट्यूबर को उसमें किसे कहते हैं, किसने खोज करी, जीवाश्म विज्ञान क्या कहलाता है, ठीक है, ये सारा का सारा।